नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 नमस्कार आकांक्षा। नमस्ते सर। क्या बात है, अभी बस चार ही लोग आए खाली। संडे के मूड में हैं सर। और दो मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं कर्मफल। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, उन्होंने भाव संबंधी नाश विचार का एक नियम पढ़ा था। हाँ। जिसमें ये पढ़ा था कि विचारणीय भाव से अष्टम में जो राशि होती है। हाँ। ये लॉर्ड मतलब एट्थ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड जो है। हाँ। कहाँ है और ड्यूरिंग द ट्रांजिशन व्हेन शनि ट्रांजिट दैट राशि वेयर एट्थ हाउस लॉर्ड एंड ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड आर सिटिंग एंड उसके त्रिकोण में। हाँ, या उनके त्रिकोण में, तो उस भाव का नाश होता है। हाँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि अगर आपका ट्वेल्थ लॉर्ड शनि है, ठीक है, और शनि जब ट्रांजिट कर रहा है तो वो अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहा है। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि जैसे नाश की बात हुई कि अगर एट्थ हाउस लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड जो है अगर विचारणीय भाव से ट्रांजिट करते हैं तो उस भाव का नुकसान होता है, समझे सर? सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये कोई स्पेसिफिक कुंडली है क्या इसकी? कोई सर मेरी खुद की है, उसी में मैंने देखा। अच्छा, उसी में देख लेते हैं अभी जी। उसी में देख लेते हैं। सीमा जी आ गई हैं, चलिए पहले हम लोग पहले कुंडली देख ले या स्टार्ट करें? सर जैसी मर्जी, मतलब ये तो क्वेश्चन जो आप स्टार्ट कर दीजिए, पहले स्टार्ट कर लेते हैं फिर मैं एंड में जो है सीमा जी कुंडली को। सर एक चीज है कि आप पहले तब ये कुंडली थोड़े देख लेते हैं तो क्या होता, शायद कोई आने वाले तो आ जाए तो उनका मिस ना हो। तो चलो देख लेते हैं, 5-10 मिनट लगेगा और ज्यादा क्या लगेगा। तो एक मेरे आप ये कुंडली खोलते हैं इसमें पूरा डिटेल आती है, वो मेरे पास कैसे आ सकती है? मेरे पास नहीं खुलता, वैसे किसी का खोलता हूँ। अच्छा, हाँ, वो किसका? आपने ये पराशर लाइट लिया हुआ है? है? ये सॉफ्टवेयर है आपके पास? नहीं, ये पराशर लाइट नहीं है। सही, उसी में सब कुछ आता है। अच्छा, उसी में आता है। ये फीड करवाना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा ना, ये फीड अच्छा खरीद के फीड करवाना पड़ेगा।
सर मेरा नहीं होगा शायद आपके पास कि है, पता नहीं सर, तुम देखो अगर आपके हस्बैंड का दिया था ना, आपका नहीं, नहीं, डिस्कस किया था। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था कि हाँ अब बताओ, अपना बता दो आप। आकांक्षा है जी, February 1983 समय है 11 बजे सुबह सुबह यूपी है सर, और शहर है बलिया। ये वाली है ना? नहीं सर, ये तो नहीं है। 21 फरवरी 1983 11 बजे बलिया। हाँ मतलब वृषभ राशि तो है लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, चंद्रमा तो मेरे छठे मतलब सिक्स तो उसमें है, वर्गो साइन में है। एक सेकंड BALLIA है। BALLIA डबल एल कर लेता हूँ। ओ सॉरी 1981 सॉरी सर, वही मैं बोल रहा हूँ मैडम, गड़बड़ है। बलिया को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 1981 है ना? जी सर। जी सर आप ठीक है? हाँ ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भावनाश के बारे में ना। हाँ जी सर, भावनाश के बारे में क्वेश्चन है आपका। हाँ भाव संबंधी नाश जो है, तो पहले भाव का नाश देख रहे हैं आप? नहीं सर, 10th हाउस का देख रही हूँ मैं। अच्छा 10th हाउस का नाश देख रही हूँ। तो आपने 10th हाउस को आपने लगन बना लिया। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे जो अभी ट्रांजिट हो रहा है, एक सेकंड, शनि। अच्छा 10th हाउस को लगन बनाया, तो 10th हाउस से 8वां का स्वामी कौन है? 8वां का आपका मरकरी है। मरकरी बैठा है कहाँ पे? मरकरी बैठा हुआ मतलब 11 नंबर राशि में है सर। नहीं, मरकरी इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है पहले ये चेक करना है ना। वो तो लग्न में बैठा, 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है जी सर, लग्न में ही है। हाँ, और इस कुंडली का 12वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। शनि कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है, 6 नंबर राशि में बैठा हुआ जी, 6 नंबर है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो 11 यानी 3, 7, 11 या 6 नंबर हो गया आपका, तो 2, 6, 10 इनमें शनि आए जी, इन राशियों में शनि आए तो प्रॉब्लम होगी जी। गोचर में अगर वो मतलब लगन से गुजरेगा या 3 नंबर में आएगा या 7 नंबर में आएगा। हाँ क्योंकि 11 नंबर, हाँ 11 नंबर राशि आपकी बनती है ना, वो वाली 8वें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वो राशि पिक कर लीजिए, 12वें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है वो वाली राशि ले लीजिए, और दोनों राशियों में सर, फिर से एक्सप्लेन करना ना सर। जो जिस भी भाव का नाश आपको देखना हो उस भाव को लगन बना लीजिए, नंबर वन। ओके, नंबर वन लगन बना लीजिए। लगन बनाने के बाद फिर ये देखिए कि उससे 8वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उससे 8वें भाव का स्वामी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे इस कुंडली में लगन बना लिया हमने 10वें भाव को, 10वें भाव का नाश ये देखना चाहती हैं, तो 10वें भाव को हमने लगन बना लिया। ओके, अब इस कुंडली में 8वां भाव बनता है, राशि है बुधवां, तो स्वामी बनता है बुध। बुध लेकिन है, एक मिनट सर, जब भी हमको ये देखना है तो लगन तो इसको बनाया, लेकिन 8वां हमको ओरिजिनल जो लगन है उसका देखना है। नहीं नहीं नहीं, इसी का लगन, इसी का 8वां देखो ना। अच्छा, अगर इसका देखना है, हाँ देखिए ना, अगर मैं मान लिया ये ओरिजिनल लगन बना देता हूँ ऐसे करके, और इस भाव का नाश देखना है, तो इसी भाव से 8वां भाव देखना है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ना, तो इसलिए हमने शुभ लगन बना लिया। ओके जी, तो इस भाव से 8वें भाव का स्वामी जो बनता है बुध, बुध बैठा हुआ है आपका 11 नंबर राशि में, तो 11 नंबर राशि हो गया, तो 3, 7, 11 त्रिकोण हो गया इसका। एक तो ये हो गया जी। फिर आपका
बारहवें भाव का स्वामी बनता है, बारहवा भाव बनता है इसमें शनि, शनि बनता बैठा हुआ है आपका आठ नंबर में, छह नंबर राशि में, छह नंबर राशि में बैठा हुआ आठवें भाव में, तो दो छह दस ये त्रिकोण आ गया जी, तो दो छह दस तीन सात ग्यारह, शनि अभी आपके ग्यारह नंबर भी चल रहा है ना, वही पूछ रही थी सर, अब ग्यारह नंबर उसकी खुद की राशि है हाँ, तो वो तब भी नुकसान करेगा ही करेगा, हाँ तब भी नुकसान करेगा, अच्छा चाहे स्वयं राशि हो, क्योंकि ये हम जो ना अलग अलग चीज देख रहे हैं, देखिए शनि के बहुत सारी चीजें हैं गोचर के अंदर, शनि का गोचर में आप साढ़े साथी भी देख रहे हो, मान लिया आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी तो खैर नहीं चल रही, चंद्रमा कहाँ है आपका छह नंबर राशि में, नहीं आपकी नहीं चल रही है, किसी की साढ़े साथी चल रही हो और शनि अपनी राशि में से गोचर कर रहा है, तो वो उस वक्त तक का गोचर जब अपनी राशि में से कर रहा है तो वो कुछ समय के लिए ठीक रहता है, मतलब उस समय थोड़ा नुकसान कम होता है जी। तो शनि के ये देखना है कि शनि का आप यूज कहाँ पे ले रहे हो, अगर भाव नाश में ले रहे हो आप तो भाव नाश में ये परेशान करता है, अच्छा तो इसके ये सटबल अगर एक नंबर है तो ये शनि इसको नुकसान कम करेगा जितना हो सकता है, हाँ ये आपकी लगन बना ये वाला, क्या बोला गलानी जी आपने, मैंने ये बोला कि शनि जो है वो सटबल के अंदर वो एक नंबर पे है तो नुकसान नहीं के बराबर करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है वो, उससे तो सटबल से इसके अंदर नुकसान का नहीं लेना है, मतलब शनि इसमें कमजोर है थोड़ा, वो आपके पॉजिटिव रहेगा, मतलब कहने का मतलब थोड़ा कमजोर है, लेकिन एक के पास एक एक डिग्री एक का है षडबल तो सर कमजोर तो इतना तो नहीं हुआ कमजोर, मैं ये तो कह रहा हूँ ये कमजोर नहीं होगा तो आपको नुकसान इतना नहीं देगा जितना आपको सोचते हैं अपन उस हिसाब से, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, वो तो देगा ही देगा नुकसान, तो देगा नुकसान तो देगा, लेकिन आकांक्षा जी शनि का ऐसा है कि आप जो करोगे वैसा मिलेगा आपको जी जी, बस शनि हम लोग क्या शनि को इतना मतलब डरते हैं उससे, लेकिन सही हाँ। चीज वही है, हमने अच्छा तो कि आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से हाँ, फल दे देगा हाँ, नहीं और तो वो देगा ही देगा, प्रोफेशन में आपके प्रॉब्लम आ रही है क्या सर, मेरा काम ही स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं जब से यहाँ पे, वही चक्कर चल रहा है उसका, ग्यारह नंबर राशि में है ना इसीलिए भावनाश का आपका सिद्धि दिखा रहा है, ऊपर से एट हाउस भी आपका, एट हाउस का स्वामी भी जाके मतलब अपने टेंथ भाव में ही बैठा हुआ है और सिक्स एट का एक्सिस भी चल रहा है मेरा, जुपिटर और मरकरी की अंतरदशा चल रही है, मेन वही प्रॉब्लम है, मेन वही प्रॉब्लम है, सारी चीज तो लेके ही बैठे हो आप, सब कुछ सिक्स एट का एक्सिस भी है इसीलिए आप फेमस हो गए ना, पता नहीं उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बड़ी, नहीं नहीं तो आप फेमस तभी हो गए जब आप डिफिकल्टी से बाहर आओगे जी जी जी, है ना, आज मुकेश अंबानी से ज्यादा तो धीरूभाई को ही सब याद करते है ना वो क्या बोलते हैं मुकेश अंबानी क्यों है, धीरूभाई की वजह से है, हाँ नाम तो फादर का ही होता है भले वो बेचारे तो नहीं 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 वो मेहनत देखो तैयार माल मिला है उस पे वो आगे बढ़ा रहा है, पेड़ बड़ा करना सबसे ज्यादा है जी। उसको मेंटेन करने का से ज्यादा तो जब कुछ नहीं था तो वहां से खड़ा हुआ है, तो आप वैसा होगा आपका, फिक्र मत करिए सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखना बस मैंने कल कुछ पढ़ा था तो उसमें मुझे पता चला कि अभी माँ दशा मैडम तुम्हारी माँ दशा कौन सी चल रही है, गुरु गुरु की चल रही है, जो गुरु में शनि, गुरु में शनि, गुरु में शनि है, तो ओम सम शनिश्चराय नमः का पाठ करो रात को शाम को सात बजे आठ बजे, सर गुरु में शनि नहीं गुरु में मरकरी शुरू हो गया है, ओम सम शनिश्चराय करोगे थोड़े कहां से मरकरी शुरू कम हो जाएगा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुंडली जो मेरे पास है उसमें तो गुरु में शनि है, अच्छा गुरु में शनि है क्या फिर, गुरु में शनि में राहु है, अच्छा अच्छा हाँ तो ये करो पाठ इससे कम हो जाएगा आपका जी जी चलिए चलिए कर्म फल पे चलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर देख लेंगे दोबारा से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कर्म फल के लिए तो इसमें यही है कि हम जब सब लोग जानते ही हैं कि दसवां भाव को हम लोग देखते हैं कर्म के लिए, प्रोफेशन का भाव भी हमारा वो होता है, बेसिकली जितने भी तरह के कर्म होते हैं वो सारे दसवें भाव से आते हैं, जो भी आदमी कर्म करे
वो सब दसवें भाव से देखे जाते हैं। प्रोफेशन भी उनमें एक भाव है कि जितने कर्म आदमी करता है उनमें से एक प्रोफेशन भी एक भाव होता है। आदमी क्या कर्म करता है, बहुत कर्म करता है, यज्ञ कर्म करता है, पूजा कर्म करता है, प्रोफेशन अपना जो नौकरी है वो करता है, तो ये सारे कर्म जितने भी हैं ये सब जो है हमारे दसवें भाव से देखे जाते हैं। और इनका जो फर्क पड़ता है दसवें भाव में, जो राशि हो दसवें भाव में, चर राशि हो, स्थिर राशि हो, या द्विस्वभाव राशि हो, या दसवें भाव में आपकी डिफरेंट टाइप की मेष राशि हो, वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, इनका भी असर काफी पड़ता है इस बात पे कि आप किस तरह का व्यवसाय आप करने में या किस तरह का जॉब करने में आप इंक्लाइंड हैं, मतलब क्या आपका हिडन टैलेंट है, वो ये राशियां बताती हैं। कई बार क्या होता है कि दशा चल रही होती है किसी स्पेशल ग्रह की, बलशाली ग्रह की दशा चल रही है और आपका जॉब का टाइम आया तो वो दशा आपको अपनी ओर खींच के ले जाती है, तो उस चक्कर में आप जो है वो कई बार अलग लाइन में चले जाते हैं, तो वो होता है। अब जैसे कि मेरे साथ ही था, मैं प्योरली मैकेनिकल इंजीनियर हूं लेकिन मैंने बाद में MBA भी किया हुआ था, तो दशा ऐसी चली मेरी एक ग्रह की कि वो मुझे HR लाइन में खींच के ले आई, और कहां मैं इंजीनियरिंग सेट्स में था शुरू से और कहां लास्ट के 10 सालों में आके मैं HR में रहा, तो ये हो जाता है ऐसा। और शायद मुझे फिर लगा कि मेरा हिडन टैलेंट था HR के अंदर, क्योंकि HR में मुझे बहुत ज्यादा एंजॉय मैंने किया और उस चीज को मैं समझा नहीं। तो अगर हम लोग शुरुआत से समझ जाएं, कुंडली की शुरुआत से ही समझ जाएं कि बच्चे का हिडन टैलेंट कहाँ है, या बच्चे की राशि कैसी है, या दसवें भाव में कौन सा चर राशि है, स्थिर राशि है, तो उससे काफी कुछ आइडिया लग जाता है। जैसे अब इसमें क्या होता है कि दसवें भाव में जो अगर चर राशि किसी की है तो वो आदमी परिवर्तन, ऊर्जा, मतलब एंटरप्राइजिंग स्किल दिखाता है, उस वो जो चीज होती है, वो आदमी चेंज चाहता है क्योंकि चर राशि है, उसके अंदर एनर्जी होती है और एंटरप्राइजिंग स्किल होती है अगर किसी की दसवें भाव में चर राशि है। दसवें भाव में स्थिर राशि है तो ऐसा आदमी बहुत ही चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी काम करने के लिए सामर्थ्य होता है, कितनी भी चैलेंजिंग परिस्थितियों से सामने वाले आ जाए लेकिन वो घबराता नहीं है और काम को पूरा करता है अगर दसवें भाव में अचर राशि है। दसवें भाव में द्विस्वभाव राशि अगर होती है तो व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए विशेष जागरूक रहता है वो, ऐसे लोग व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं जिनकी द्विस्वभाव राशि दसवें भाव में होती है, क्योंकि बुध व गुरु ये दोनों व्यापार के कारक हैं और बुध व गुरु की दोनों राशियां, जो दोनों की दो दो राशियां हैं, वो सारी राशियां द्विस्वभाव राशियां ही होती हैं, इसलिए व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए विशेष जागरूक रहते हैं द्विस्वभाव राशि वाले, मतलब बिजनेस में, मतलब व्यवसाय में अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोफेशन करना चाहते हैं, जिनकी द्विस्वभाव राशि इसमें होती है तो उनका ही हिडन टैलेंट होता है। इसके बाद फिर आपको यह चेक करना है कि दसवें भाव में राशि है कौन सी, अग्नि राशि है, पृथ्वी राशि है, वायु राशि है, जल राशि है, वो भी आपको एक बार चेक करना है। चार तरह की राशि हमारी होती है, 1, 5, 9 हमारी अग्नि राशि है, 2, 6, 10 हमारी पृथ्वी राशि है, 3, 7, 11 हमारी वायु राशि है और 4, 8, 12 हमारी जल राशि है। तो अगर दसवें भाव में अग्नि राशि है तो ऐसा आदमी इंजीनियरिंग साइड में, अभियांत्रिकी में, लोहा उद्योग, आयरन इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, मशीनरीज में, या जहां भी आग से संबंधित कार्य होते हैं, जहाँ टर्बाइन्स हैं, बॉयलर्स हैं, इस तरह की चीजें लगी हुई हैं, वहां पे काम करने में ज्यादा, उस तरह का काम करने में ज्यादा इच्छुक होता है, समझ रहे हैं। जहां पे अग्नि राशि हो तो ये भी चेक कीजिए कि राशि चर है क्या है, उसके बाद चेक कीजिए कि अग्नि राशि है तो उस तरह का काम करने में थोड़ा सा उसको लगता है कि ऐसा काम में उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा अगर इस फील्ड में वो जाए, अभियांत्रिकी के फील्ड में वो जाए तो अच्छा रहता है। पृथ्वी राशि वाले, जिनका पृथ्वी राशि वहां पर है, 2, 6, 10 राशि है, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में अच्छे रहते हैं, या इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे रहते हैं, फाइनेंस में अच्छे रहते हैं, भवन निर्माण में कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अच्छे रहते हैं, एग्रीकल्चर में अच्छे रहते हैं, या ऐसे व्यवसाय जिसमें व्यवहारिकता की आवश्यकता हो, मतलब जिसके अंदर आपको बिहेवियर से बहुत चीजें करानी पड़ती है, ऐसे बिजनेस के अंदर भी ये लोग सक्सेस रहते हैं जिनकी राशि पृथ्वी राशि होती है। जो लोग जिनकी राशि वायु राशि होती है, अगर वो वायु राशि दसवें भाव में है, जो भी राशि की बात हम कर रहे हैं ये दसवें भाव की राशि की बात कर रहे हैं, चाहे वो चर की बात कर रहे हैं, चाहे वो अग्नि राशि की बात कर रहे हैं या वायु राशि की बात कर रहे हैं, तो जिनकी वायु राशि दसवें भाव में है वो लोग बहुत ही तार्किक टाइप, क्योंकि वायु राशि क्या होती है, इमेजिनेटिव होती है, एयर से सिग्नल्स आ रहे हैं आपको, तो ऐसे लोग बहुत ही बौद्धिक वाला काम या तार्किक वाला काम, लॉजिकल काम जो होता है
फिलोसफिकल काम, दार्शनिक वाला काम, इस तरह काम करने में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, जहां पे मतलब ये सब चीजों का इस्तेमाल हो, इमेजिनेशन का इस्तेमाल हो, लॉजिक का इस्तेमाल हो, वहां पर ये जो वायु राशि वाले लोग हैं ये काम करने में ज्यादा सफल होते हैं। जिस कुंडली में दसवें भाव में जल राशि होती है, 4, 8 या 12, ऐसे लोगों को रसायन केमिस्ट्री जो होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, जीव विज्ञान, बॉटनी, मद्य निर्माण जहां लीकर वगैरह बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं, या जल संबंधी कार्य जितने भी होते हैं, जो भी जल संबंधी कार्य है, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, मतलब कहीं भी कोई जल संबंधी कार्य हो, फिशिंग हो, ये सब चीजें जो हैं आती हैं जल राशि से। अगर जल राशि चौथे भाव, दसवें भाव में है, तो उस केस में ऐसे इंसान का जो इंक्लिनेशन है वो ज्यादातर रहता है, या उसको जो अगर इस लाइन में वो जाए रसायन शास्त्र की, जीव विज्ञान की, मध्य निर्माण की, या जल संबंधी कार्यों में, तो वो ज्यादा सक्सेस लेता है। ये इसमें ध्यान देने वाली बातें। दसवें भाव में फिर आता है डिफरेंट राशि। अभी तो हम लोगों ने बात की कि चर राशि, द्विस्वभाव राशि, स्थिर राशि का दसवें भाव में हो, उसके बाद हमने बात करी कि कौन सा एरिया ऐसा रहता है जहां पे अग्नि राशि हो तो बंदा ज्यादा इंक्लाइन होता है, जहां पृथ्वी राशि हो इंक्लाइन रहता है। फिर दूसरी तीसरी बात ये आती है कि हमारे काम करने का शैली कैसी होगी, शैली बोले तो स्टाइल कैसा होगा हमारे काम करने का, काम करने का फंक्शनिंग हमारी कैसी होगी, स्टाइल कैसा होगा, तो उसके लिए राशि डिपेंड करती है कि दसवें भाव में कौन सी राशि, तो वो देखिए आप। अब देखिए दसवें भाव में मेष राशि है, अगर आपके कुंडली के अंदर किसी भी बच्चे की दसवें भाव में मेष राशि है, तो वो हमेशा एनर्जेटिक कार्य, साहसिक कार्य, करेजियस कार्य, ऐसे कार्य करना चाहिए हमेशा। वृषभ राशि है तो जहां पे दृढ़ निश्चय चाहिए, जहां पे डिटर्मिनेशन चाहिए, वहां पर वो कार्य करना चाहेगा, उस तरह कार्य वो करना चाहेगा। मिथुन राशि है तो जहां पे पब्लिसिटी है, प्रचार प्रसार है, या इस तरह काम है, वो करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट वो रहेगा, क्योंकि मिथुन जो है वो प्रचार प्रसार को दिखाता है। कर्क राशि है तो जनता से संपर्क करने कामों में ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो इस तरह काम में बहुत आगे प्रोग्रेस करेगा जहां जनता से संपर्क करना होता है। सिंह राशि है तो ऐसा आदमी जहां पे उसके पास अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अधिकार हो, पावर हो, वो ऐसे काम करने में ज्यादा इच्छुक रहेगा, क्योंकि सिंह राशि वाला जो जिसकी दसवीं भाव में सिंह राशि है, वो इस तरह के कामों में ज्यादा इच्छुक रहेगा जहां पे उसके पास पावर हो और इस तरह की चीजें वो दिखाए। कन्या राशि किसी के पास है तो ऐसा इंसान जो है वो दसवें भाव में सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब चीजों को बहुत ही टेलीस्कोपिक व्यू से देखने की कोशिश करेगा, बुद्धि कुशलता उसके अंदर होगी, दृष्टिकोण उसका विस्तृत होगा, ऐसे कार्य जहां पे मतलब दृष्टिकोण बड़ा चाहिए, कुशलता चाहिए बुद्धि की, और बहुत लॉजिकल उसको स्टडी करना हो, सूक्ष्म रूप से इसको देखना हो, तो कन्या राशि वाला ऐसे कामों में बहुत अच्छा रहता है, या कन्या राशि वालों की ऐसी शैली होती है काम करने की, उनका ऐसी स्टाइल होती है। कन्या जिनकी राशि दसवें भाव में है, ऐसे लोगों को आप किसी भी काम पर लगा दीजिए तो वो काम जब करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण से, बुद्धि कुशलता से करते हैं और विस्तृत दृष्टिकोण लेके काम करते हैं, तो ये एक इनके अंदर स्टाइल हो जाती है। तो ये जो राशियां बता रही हैं, ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बता रही है इंसान की। तुला राशि होती है तो ऐसा आदमी बहुत ही बैलेंसिंग होता है, एडवाइजरी वाले कामों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे एडवाइजर होते हैं इनका, मतलब ये लोग जो है तुला राशि जिनकी दसवें भाव में होगी, वो नॉर्मली आपको किसी भी काम में काम कर रहे हो तो एडवाइजर बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ एडवाइस बहुत अच्छी अच्छी देंगे आपको, आइडियाज बताएंगे आपको, ये सब चीजें अच्छी रहती है। वृश्चिक राशि वाले जो है, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में आठवें भाव की राशि है, आठवें भाव सीक्रेट भाव होता है, तो ये राशि वाले आपका इनका स्टाइल जो है ज्योतिष, तांत्रिक, तार्किक, जासूस, अपराधी, शोध वाले कार्य जहां भी होते हैं, इस तरह के कार्यों में करने की शैली होती है। मतलब अगर ये इनको आईबी वगैरह में या सीबीआई वगैरह में या ऐसे फंक्शंस में डाल दिया जाए तो ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, जिनके दसवें भाव में वृश्चिक राशि हो तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इवन ये लोग अपराधी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बनते हैं अगर अपराध क्षेत्र में ये घुस जाते हैं। धनु राशि किसी की दसवें भाव में है तो ऐसा आदमी बहुत साहस वाले काम करता है, करेजियस, मतलब डिसीजन जो लेता है वो बहुत करेजियस डिसीजन लेता है, बहादुर होता है, तो ये मतलब इसमें करेजियस डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए करेजियस डिसीजन लेना और सारे डिसीजन को पार कर देना या सारे डिसीजन को आप सफल लेना, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। धनु राशि वाले में ये खास बात होती है
कि धनु राशि वाले, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं कि एक बार मेरी ये जो इसके विप्रो के जो ऑनर हैं अजीज प्रेम जी, इनके साथ कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारी उनसे बात हो रही थी, साथ ही हम लोग बैठे हुए थे, तो अजीज प्रेम जी बता रहे थे, तो वो ज्योतिष का इस्तेमाल भी करते हैं जब अपनी कंपनी में कोई सीईओ वगैरह अपॉइंट करते हैं, तो वो ज्योतिष का इस्तेमाल भी करते हैं उसके अंदर। तो वो वही बात चल रही थी इसके अंदर ऐसे ही धनु लगन वाले के बारे में, तो वो बात कर रहे थे कि मैंने इंटरव्यू ले रहा था, तो एक जो पहली पोस्ट के लिए जो सीईओ के लिए आया, जो बंदा आया, उससे पूछा कि भाई आपने अपनी लाइफ में जो 1,000 करोड़ से रुपए से ऊपर के कितने डिसीजन लिए, या 500 करोड़ से ऊपर के कितने डिसीजन लिए, क्योंकि सीईओ लेवल पे तो यही क्वेश्चन पूछना है और तो भी पूछना ही है। तो उसने बोला साहब मैंने 1,000 करोड़ से ऊपर के 10 डिसीजन लिए हैं लाइफ के अंदर। तो उसने कहा कि 10 डिसीजन लिए हैं, आपने सक्सेसफुल कितने हुए हैं आपके? कह रहा साहब सक्सेसफुल तो मेरे 10 के 10 हुए हैं, जो भी मैंने डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल हुआ। उसने कहा ठीक है। तो अजीज प्रेम जी ने कहा कि फिर मेरे पास एक ऐसा आदमी आया सीईओ के इंटरव्यू देने के लिए, उससे मैंने पूछा आपने कितने डिसीजन लिए हैं, तो उसने भी बोला साहब मैंने 10 से 12 डिसीजन लिए हैं 1,000 करोड़ से ऊपर के, लेकिन मेरे डिसीजन जो सक्सेस हुए हैं वो 6 डिसीजन सक्सेस हुए हैं खाली उसके अंदर। तो अजीज प्रेम जी ने अपनी कंपनी के लिए सीईओ उनको रखा, वो बोले कि जिसने 10 डिसीजन लिए बाई चांस वो सारे डिसीजन अंडर सर्टेनिटी थे, मतलब ऐसे थे कि उसके अंदर सर्टेनिटी थी कि वो फायदा होना ही होना था। आदमी का मजा जब है जब डिसीजन ऐसे टाइम पे ले जब अंडर अनसर्टेनिटी हो कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मतलब बंदे में करेज हो और डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी वो ले सके, तब तो वो कहते हैं कि वो साहस पराक्रम और बहादुर वाला बंदा है, व्यवहारिकता वाला बंदा है। तो तब अजीज प्रेम जी ने उनको अपनी कंपनी में सीईओ रखा जिनके 10 में से 6 डिसीजन सही थे। वो बोले कम से कम इन्होंने डिसीजन लेने की कोशिश करी, उसमें 6 सही हुए कोई बात नहीं, 6 सही हुए उससे भी हमारे कंपनी का फायदा होगा, लेकिन इनमें साहस है डिसीजन लेने का, करेज है। दूसरा आदमी अगर 4 डिसीजन लेता है या 5 डिसीजन लेता है और 5 के 5 सक्सेस होते हैं उसके, तो उसका मतलब यह है कि वो सारे डिसीजन वही लेता है जो बिल्कुल सक्सेसफुल की गारंटी होती है जिनकी। तो उसके लिए तो आप कंपनी के सीईओ हो क्या, आप तो किसी को बैठा दीजिए वही कर लेगा उस काम को। तो इसलिए धनु राशि जिनके 10वें हाउस में होती है ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, ऐसे लोग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी ले लेते हैं, इनमें ये खास बात होती है। और आप कभी देखिएगा कि विप्रो के अंदर अक्सर सीईओ जो मिलेंगे आपको 10वें भाव में उनके धनु राशि मिलती है। मकर राशि वाले बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, उनका संयोजन बड़ा उत्तम होता है। जितने भी आयोजन क्षमता वाले कार्य हैं, इवेंट मैनेजमेंट वाले कार्य हैं, ऐसे काम हैं उनमें करने में ये लोग परफेक्ट होते हैं। इनकी स्टाइल होती है, मतलब इनके काम में अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है तो ये ऐसा काम बहुत बढ़िया तरह से करेंगे, इवेंट बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग स्टाइल और फंक्शनिंग है ऐसा। या घर में कोई फंक्शन आयोजित कर रहे हैं ये लोग मकर राशि वाले जिनके 10वें भाव में मकर राशि है, तो वो घर में भी फंक्शन बहुत बढ़िया आयोजित करेंगे। इसी प्रकार कुंभ राशि वाले जो होते हैं, कुंभ राशि जिनकी 10वें भाव में है, वो नवीन विषय, सामान्य कार्य, किसी भी विषय के सलाहकार निर्माण, दूरदर्शिता कार्य जितने भी होते हैं वो सारे कार्य करते हैं। और मीन राशि वाले जो होते हैं वो इमेजिनेटिव काम, धार्मिक जादू चीजों में रहते हैं, हर चीज के अंदर धर्म का एंगल ढूंढ लेते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, साहित्य कविता प्रवचन आदि कार्य, ऐसे काम जैसे आपके पंडित जी वाले काम है या उपदेश देने वाले काम है, इस तरह काम है, इस तरह कामों में ज्यादा रहते हैं। अगर इनको किसी नौकरी में भी लगा दिया जाए तो वहां भी ये लोग प्रवचन देने की कोशिश ज्यादा करते हैं, ज्यादा इमेजिनेटिव होकर प्रवचन ज्यादा देते हैं, ये इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो जाती है। तो ये राशियां हैं जो बताती हैं कि हमारी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या होगी 10वें भाव की राशियां। तो जब भी आप 10वां भाव देखें तो एक बार नजर डाल लेना चाहिए कि 10वें भाव में कौन सी राशि है, चर राशि है, स्थिर राशि है, बीस भाव राशि है, फिर अग्नि पृथ्वी वायु जल है, या फिर कौन सी राशि इनमें है। तो आपको उस बंदे का बचपन से यह मालूम चलेगा कि इसका स्टाइल क्या है, इस बच्चे का आगे काम करने का, मतलब कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें इसको चूज कराया जाए तो ये सक्सेसफुल होगा बहुत और अपना 100% देगा। सर एक क्वेश्चन, ये जो आपने बताया, लेकिन एक्चुअली तो ये उसका माइंडसेट या स्टाइल ऑफ वर्किंग, मतलब दिमाग से जिस तरह से वो सोचेगा वो चीज हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो फिर तो दिमाग से सोचना या माइंड, जो भी माइंडसेट है या अप्रोच है, वो तो जो अपना फर्स्ट हाउस है उस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। उस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो अप्रोच है ना, 10वें भाव वाली जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, ये अप्रोच आपको आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि कैसा
जॉब इसके लिए हो सकता है, कैसा फंक्शन इसके लिए काम कर सकते हैं कि जिसमें ये वाला माइंडसेट इस्तेमाल हो या जिसमें ये वाली चीज इस्तेमाल हो। अब जैसे इवेंट मकर राशि का मैंने बताया कि इवेंट मैनेजमेंट काम करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप इवेंट मैनेजमेंट वाले काम में लगा दो जिनके दसवें भाव में मकर राशि हो, कि भैया तू ठीक है जितनी भी कंपनी के अंदर स्पॉन्सर या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगी वो सारी तू ऑर्गेनाइज करेगा, तू पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का आदमी हो गया, तो बहुत बढ़िया करेगा वो। ये बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, ये इसमें राशि जैसे मान लीजिए 10th हाउस के अंदर राशि मान लीजिए वहां पे मकर राशि कब आएगी? जी क्या सवाल पूछा? मैं तो हाँ, ये कह रहा था कि मान लीजिए 10th हाउस में 3 नंबर है मतलब, हाँ, और उसके साथ दूसरा और मकर की राशि भी बैठी है तो क्या? नहीं नहीं, राशि तो एक ही होगी ना सर। नहीं, एक तो है लेकिन उसके साथ दूसरा ग्रह तो आ सकता ना। वो तो ग्रह से मतलब नहीं है, लेकिन राशि से मतलब। यहाँ तो राशि, हाँ, यहाँ तो दसवें भाव में कौन सी राशि बैठी? प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं इसमें, मतलब नहीं, प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है इसमें कि दसवें भाव में 3 नंबर राशि है या 4 नंबर राशि है या 5 नंबर राशि है, ये उससे मतलब है इस चीज का। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट का मतलब ये चीज सर, ये चीज है वो जो चंद्र लग्न से भी देखना चाहिए ना, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज माइंड सेट और माइंड मतलब मून। तो आप चंद्र, बिल्कुल चंद्र लगन से भी देख सकते हैं, चंद्र मतलब दोनों से, दोनों ये सबको मिक्स करके जो हम करेंगे तो ज्यादा तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलने का। हाँ, जैसे मीन लग्न से करो, 10th जो आया वो चंद्र लग्न से जो 10th आया वो दोनों को कंबाइन करके करेंगे तो रिजल्ट मतलब आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी ना। आप अगर वो तारतम्य बैठा के करते हैं तो आप उस बंदे के लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं कि भाई ये कहाँ पे जा सकता है। मतलब इट इज एडवाइजेबल ना, इट इज एडवाइजेबल, एडवाइजेबल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो लोग कर रहे हैं काम ऑलरेडी हमारे ऑफिस के अंदर, वहां पे हम लोग कैसे सेट करें बंदों को वो भी देखने वाली बात होती है। मैं आपको मेरा तो मतलब एकदम ज्वलंत एग्जाम्पल है, मेरे ऑफिस में एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो बिल्कुल काम नहीं करता। अब गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करता तो कोई चलो पूछता भी नहीं है उसको, तो बड़े परेशान थे सब। तो मैंने यही सब उसका स्टडी किया, तो मैंने उसको केवल यही काम दिया कि यार तू बाजार जाया कर, और बाजार से ये जितना भी काम हमारा बाजार का होता है, मार्केट का काम होता है, मार्केट सर्वे का, कोटेशन लाने का, ऐसा काम का, ये वाला काम कर जाया कर। तो उसमें वो बहुत अच्छा रहता था, उसके अंदर वो बहुत उसका इंटरेस्ट रहता था, बाहर जाना, बाजार जाना, बाजार से कोटेशन ले आना, कोटेशन लाके बात कर देना, ये करा देना, सारे काम वो फर्स्ट क्लास तरीके से करता था। तो आपको ये भी देखना है अपने ऑफिस के अंदर कि जो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो किस राशि का है, कैसा है, उसको हम कैसे और उसकी स्टाइल को, उसके माइंड सेट को और इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर या अपनी उसके अंदर। तो ये राशियों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये राशि के जो प्लैनेट से जो उसके स्वामी है उस हिसाब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही हुई है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हुई है। आप देखने जाओ तो वही हुआ ना, मिथुन हाँ। जो बुध है तो फिर राशि का मंगल वही होता है, एनर्जी वगैरह हाँ। सब चीज वही हाँ। होती है, वही चीज होती है। तो फिर तो सर उसमें प्लैनेट का प्लेसमेंट भी तो मायने रखेगा ना, वो आएगा ना, अभी आगे आएगा प्लैनेट का प्लेसमेंट भी आगे आएगा, वो सब चीज आपको देखनी है। अभी तो मतलब ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, वो सब चीज आपने देखनी है। आगे प्लेनेट का प्लेसमेंट भी आएगा, एक प्लेनेट है, दो प्लेनेट है, 3 प्लेनेट है, क्या है, दशा किसकी है, वो सब चीजें, ये सारी चीजें मैटर करेंगी आपके माइंडसेट के ऊपर। एक ग्रह नहीं, एक चीज काम नहीं करती, आपके माइंडसेट पे 10-15 चीजें काम करती है, और उसका आपको मैक्सिमम जो ज्यादा काम कर रही है उसका लेके आपको फिर करना पड़ता है सेट के भाई क्या काम करना पड़ेगा। सर आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि मेरे पास एक कुंडली है जिसमें 3 नंबर जो है आपके 10th हाउस में है। हाँ। जैसे आपने बताया कि कम्युनिकेशन है, तो बाय प्रोफेशन द पर्सन इज अ डॉक्टर, राइट, पीडियाट्रिशियन है सामने वाला। हाँ। और जब वो बात करते हैं तो वो सिंपल, अगर किसी बच्चे को डायरिया हुआ तो आप बोलोगे भाई आंख बंद करके आपने दवाई लिख दी और दे दिया, राइट। हाँ। एक डॉक्टर होता है जो कम बोलता है, दवाई दे देता है, काम हो जाता है। पर एक डॉक्टर है वो ये है जो कम्युनिकेशन इतना करते हैं, दवाई कम लिखते हैं, कम्युनिकेशन से ही वो बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये ऐसे लोग होते हैं जी, तो वो उनका अपना तरीका है लोगों को ठीक करने का, तो वो दवाई देकर भी ठीक कर सकते हैं और आप कम्युनिकेशन के थ्रू बेसिक चीजें बता के कि आपको क्या करना चाहिए कि दोबारा ना हो, वो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो आप इसको चेक कीजिएगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहीं आपको मिलेंगी नहीं लिखी हुई ये सब चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है। दरअसल जो भी हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया वो सारी चीजें मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, मैं तो कोई चीज इसको हाइड ही नहीं कर रहा जरा सी इसके अंदर। अब आता है जनकालीन दशा का कार्य पे प्रभाव। देखिए मैं पहले से ही, जैसे देसाई साहब पहले भी वाली क्लास में भी बात हुई थी हमारी जनकालीन दशा पे, जनकालीन दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनकालीन दशा किसी भी जातक की 6-8 की रही है या 6-8-12 बैठों में ग्रह की रही है, अंतर दशा वगैरह या प्रत्यंतर दशा वगैरह, तो उस केस में वो आदमी अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल तो करता है, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में एक स्ट्रगल रहती है। और ये भी है कि अगर उसकी अंतर दशा इवन जनकालीन दशा बहुत खराब थी तो अनुकूल दशाओं में भी जो प्रोफेशन में तरक्की उसकी होनी चाहिए वो तरक्की उसकी नहीं हो पाती। ये अनुकूल जन्मकालीन दशा का खराब प्रभाव उसके प्रोफेशन पे भी पड़ता है, उसके बाकी चीजों पे भी पड़ता है, भाग्य भी पड़ता है, उसके प्रोफेशन पे भी पड़ता है। मतलब खाली उसका प्रभाव केवल भाग्य पे नहीं लेना चाहिए कि जन्मकालीन दशा का प्रभाव इसके संघर्ष पे आ गया या भाग्य पे आ गया, उसके प्रोफेशन भी पड़ता है। तो जन्मकालीन दशा जिस व्यक्ति की अच्छी नहीं थी, एक्सिस खराब था और 6-8-12 में बैठे ग्रह की दशा थी, आप अक्सर देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में जिस जॉब में वो प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में भी वो रिक्वायर्ड लेवल तक तरक्की नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वो तरक्की नहीं कर रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे, लेकिन वो तरक्की और अच्छी कर सकते थे अगर दशा उनको बचपन में अच्छी मिली होती। तो ये जन्मकालीन दशा का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी का प्रोफेशन देखें तो एक बार नजर डाल लीजिए कि उसकी जन्मकालीन दशा कैसी है, और जन्मकालीन दशा को देख के देन यू डिसाइड कि इसका क्या कैसा मैटर इसका रहना चाहिए या क्या इसका ओवरऑल जीवन रहेगा, वो 10वें उसकी राशि से होता है। पहले राशि देख लिया, ये सब चीजें देख ली, उसके बाद जन्मकालीन दशा देख ली। अब 10वां भाव देखते कैसे हैं, 10वां भाव देखते कैसे हैं, तो 10वां भाव देखने के लिए 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह देखेंगे कि 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। यही हमारा चीज होती है कि भाव, पहले तो भाव देखते हैं हम लोग कि भाव में कोई शुभ ग्रह है या नहीं बैठा है, भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग भाव बल निकालते हैं, आपको मालूम है ना भाव भावेश कारक, तो मैंने बताया आपको, बताया हाँ कि भाव भावेश कारक तीन चीज आपको देखनी होती है किसी भाव की स्टडी करने के लिए। भाव देखिए, भाव बल जो होता है वो भाव बल होता है, उसमें भाव भी आता है, भावेश भी आता है, कारक भी आता है। तो सबसे पहले भाव बल देखिए, भाव बल कैसे देखेंगे हम लोग कि भाव कैसा है, भाव में शुभ ग्रह बैठे या नहीं बैठे, भाव पे अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, भाव में कोई नीच ग्रह तो नहीं बैठा, भाव में उच्च ग्रह बैठा है या नहीं बैठा, भाव शुभ पत्री में है या नहीं है। इसी प्रकार से भावेश देखेंगे कि भावेश केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया है, कहाँ गया है, 6-8-12 में तो नहीं गया भावेश, 3-6-8-12 में तो नहीं गया। फिर देखेंगे कारक कि कारक केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है या नहीं है, वो भी कहीं 6-8-12 में तो नहीं चला गया, तो कारक को भी डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और देखनी है, उसको आप नोट कर लीजिए, वो शायद मैं इसमें लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा कि ये भाव भावेश और कारक ये तीन चीज देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपका लग्नेश और प्रोफेशन भाव के स्वामी का एक्सिस क्या है, लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस क्या है। अगर लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस 6-8 है तो प्रोफेशन में परेशानी हो सकती है, और अगर बाई चांस वो नवांश में भी 6-8 हो तो बहुत परेशानी हो उसके लिए। और सेम हो तो कन्या नगल में दोनों एक ही है ना, हाँ हाँ सब सप्तक हुआ ना फिर, हाँ तो वो नहीं, तो उसमें कुछ नहीं, 6-8 का बात कर रहे हैं, ओके ओनली 6-8 लग्नेश और कर्मेश का, या लग्नेश और कारक को भी आप देख सकते हैं, इनका एक्सिस भी आपने चेक करना। कन्या लग्न में तो सब कुछ एक ही हुआ, हाँ वहां तो एक ही सब हो जाएगा, तीनों एक हो जाएगा ना कन्या लग्न के लिए, क्योंकि वो लग्नेश भी वह कारक भी तो बुध, आपने उस टाइम पे बताया था कि 10th का कारक बुध लेना है, बुध ले लेते हैं, वो भी सम सप्तक हो जाएगा उसके अंदर, उसमें कोई वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां 6-8 की दिक्कत आती है वहां पे दिक्कत आएगी, जहां 6-8 का एक्सिस बनता है, मतलब लग्नेश और कर्मेश जो आपका जो है, का, हाँ लग्नेश और कर्मेश का 6-8 का ओके ओके एक्सिस नहीं होना चाहिए। वो आपका देखिए D1 में अगर आता है आपका 6-8 का एक्सिस लग्नेश कर्मेश का तो प्रॉब्लम है, ये आप समझ लीजिए, और अगर D9 के अंदर भी हो गया तो समझो कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दोनों में अगर हो गया तो पहले D1 चार्ट चेक करना है, फिर D9 चार्ट चेक करना है कि D9 में कैसी पोजीशन है। देखिए
जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे हम भाव भी देख रहे हैं, दरअसल हम लोगों ने वर्षा नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे एक सेकंड एग्जांपल, सॉरी मेरा एक क्वेश्चन इधर आ गया। हाँ। देसाई जी जो बोल रहे थे अभी कि कन्या लगन में तो एक साथ का ही एक्सेस होगा, पर यहाँ तो हम लोग लग्नेश और कर्मेश की बात करें, तो अगर कन्या लगन हुआ भी तो भी तो लग्नेश और कर्मेश कहीं भी जा सकते हैं कुंडली में। लग्नेश और कर्मेश एक ही है ना, कैसे कौन सा नंबर आएगा? आप देखिए दसवें भाव में कन्या लग्न लगाइए। हाँ आप लगन कन्या है ना, कन्या लग्न है तो छह नंबर फर्स्ट में हुआ, तो दस नंबर दस में तीन नंबर हुआ तो दोनों का बुद्धि अच्छा, हुआ। हाँ, समझ गई हाँ, बराबर है ना। हाँ, हाँ, हाँ। और कारक देखो तो भी बुद्धि है, टेंथ हाउस का कारक तो। जी तो तीनों एक ही हो गए, मतलब कन्या लग्न के लिए कभी भी एक्सेस, ये जो एक्सेस बता रहा है सर, तो वो तो एक ही एक्सेस एक ही रहेगा। हाँ हाँ नहीं मैं समझ गई। अब कृपांश की लगाएंगे सर तो उसमें वही है सेम। हाँ वो तो सेम मिलेगा। अब जैसे एकांशा की लगाते हैं, अब लग्नेश और कर्मेश का देखिए यहाँ पे एक्सेस क्या है। पहले तो यही देख लीजिए कि यहाँ पे राशि कौन सी है, मकर राशि है, दसवें भाव में 11 नंबर राशि है जी। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, इस तरह काम करने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसे लोग, दसवें भाव में, जो मैंने राशि 11वें भाव नंबर राशि का आपको बताया है। और इसके अंदर ये राशि कौन सी होती है, चर राशि है, स्थिर राशि है, 30 भाव राशि है। ये आपकी हो गई स्थिर राशि है, स्थिर राशि है जी, ठीक है ना। तो हाँ, तो ऐसे लोग मतलब चैलेंजिंग परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई चैलेंजेस भी आते हैं तब भी ये लोग पार कर लेते हैं, उस चीज को हारते नहीं है चैलेंजेस से, वो कर ही रहे हैं अभी तो। हाँ ये चीज का इनमें होता है। अब दसवां भाव में ये देखिए कि दसवें भाव का भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, मंगल और सूर्य दो ग्रह बैठे हैं इसके अंदर आपके, बुध भी तो है सर, तीनों है ना, बुध भी है, तीनों ग्रह बैठे हैं, मंगल सूर्य और बुध। मतलब मैं थोड़ा क्रूर ग्रह की बात कर रहा हूँ जरा। अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बुध भी क्रूर ग्रह हो जाएगा। हाँ हाँ बस, तो तीनों यहाँ पर ये क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल सूर्य बुध, तो भाव पे दृष्टि किसी की है? नहीं है। भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है? नहीं बैठा है। भाव का स्वामी भाव को देख रहा है? नहीं देख रहा है, ठीक है। भाव का स्वामी भाव को तो नहीं देख रहा है, लेकिन 11th शनि और बुध में जो है एक्सचेंज है, हाउस है, हाउस एक्सचेंज है। अच्छा शनि और बुध में हाउस एक्सचेंज है आपका जी, तो फिर तो आप बच गए आराम से, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये शनि बुध में एक्सचेंज हो गया ना आपका इधर जी। हाँ पांचवें भाव से आपका कर्म का एक्सचेंज पंचम भाव से हो गया, तो आपका बहुत अच्छा हो गया जी, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप लग्नेश और कर्मेश का एक्सेस देखो अपने, लग्नेश कौन है आपका, बुध है, सॉरी शुक्र है, शुक्र है, और कर्मेश कौन है, शनि, शनि, तो शुक्र शनि का एक्सेस देखिए आपका, 7, 8, 9 पांच लाख एक्सेस है। अब नवांश में देखिए आपका एक्सेस क्या बनता है, शुक्र बुध का आपने क्या गिना, लग्नेश और कर्मेश एक्सेस। हाँ तो शुक्र है ना, हाँ तो एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए तो आपको वो तो यहाँ ऊपर ही बैठा हुआ है ना, दो नंबर शुक्र से तो दूसरे ही स्थान में है। नहीं 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 शनि है ना इनका जो अच्छा, शुक्र शनि का एक्सेस 5-9 का है, और D9 के अंदर भी ये 5-9 का एक्सेस चल रहा है जी। आपका D9 के अंदर भी ये 5-9 का एक्सेस है आपका जी। तो आपकी ये दशा की वजह से जो आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, वो जो हम लोगों ने निकाला था वो भावनाश वाला, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपके काम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। अदरवाइज आप देखिए तो मेरी दशा भी जो है 8th हाउस के स्वामी की चल रही है, जुपिटर की, जुपिटर की दशा चल रही है ना जी जी। जुपिटर ये 8th हाउस कोई भाव दिख रहा है आपका जी सर? 8th हाउस कोई भाव दिख रहा है क्या? शुभ भाव नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कोई ग्रह नहीं देख रहा 8th हाउस को, 8th हाउस कोई ग्रह नहीं देख रहा, 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा नहीं है, नहीं। तो मैंने यही बताया था कि जिस भाव में कोई ना ग्रह बैठा हो ना उस भाव को कोई ग्रह देख रहा हो, तो उस भाव के फल करने की जिम्मेदारी उस भाव के स्वामी की होती है जी। तो गुरु की फल करने की जिम्मेदारी है इस भाव की, तो गुरु की जो दशा चल रही है आपकी, और अभी ये चलेगी, ये 5-9-22 से 17 जनवरी 23 तक तो चलेगी जी।
होगा आपका। हाँ ये देखिए यहाँ पर अभी गुरु शनि में गुरु की प्रत्यंतर चल रही है आपकी, ठीक है ना। शनि कैसा है आपका? शनि आपका जो है पूर्ण योगकारी ग्रह है, 10 नंबर 11 नंबर। अंतरदशा आपकी पूर्ण योगकारी है, अंतरदशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु की जो प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है अभी, ये गुरु की प्रत्यंतर दशा कहाँ चलेगी ना, राहु की चल रही है ना अभी, राहु की चल रही है। हाँ राहु की चल रही है, सॉरी राहु की चल रही है। राहु आपका इधर बैठा हुआ है, तो राहु आपके रिजल्ट कहाँ कहाँ के दे रहा है? थर्ड हाउस के दे रहा है, थर्ड हाउस के दे रहा है ना। और राहु कहाँ का और कहाँ का रिजल्ट देगा? थर्ड हाउस में राशि कौन सी है? सिंगल राशि है, सेवंथ हाउस का दे रहा है। और फिर उसका उसके अलावा और सर वैसे मेरे हिसाब से वो शनि की जो राशि कुंभ वहां का भी देगा शायद। कौन सी ये वाली? हाँ उनका नहीं देगा, राहु जहाँ राशि में बैठा होता है वहां का देता है। 11th हाउस का दे रहा है, 7th हाउस का दे रहा है, और आपका 9th हाउस का दे रहा है। सर ये तो मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरे पास अभी काफी नेटवर्किंग से कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं अच्छी। तो मैं साइन कर दूं सर जो आ रहा है? साइन कर दीजिए बिल्कुल, और क्या, एकदम साइन कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राहु आपका अच्छे घर में बैठा हुआ है वैसे भी, ठीक है, मैंने आपको बताया था 3rd, 6th, 11th में, या आपके केंद्र त्रिकोण में राहु बैठा हो तो वो ठीक होता है। 6th, 8th और 12th में राहु केतु नहीं होने चाहिए किसी हालत में। अगर 8th, 12th में राहु केतु बैठ गए तो समझ लीजिए बेड़ा गर्क हो जाता है, तो वो वहां से बचना चाहिए। सर सॉरी, ये इसकी दशा खत्म है राहु की अभी 15 सितंबर में खत्म है ना, 30/4/22 को खत्म हो गई ना, 15 सितंबर को खत्म होगी। आप इसको एक और बढ़ाइए इसलिए इनको पता चलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसके अंदर पाराशर लाइट में ये दशा जो ये टाइम है ये शुरू होने वाला है, 30/4/22 से दशा शुरू हुई है राहु की। अच्छा। और 15/9/22 को खत्म होगी, 7/22 में। अच्छा। ना वो अलग चीज है, एस्ट्रो सेज को तो आप एस्ट्रो सेज का नाम हत्या करो मैडम। अच्छा। हाँ उसका नाम हत्या करो, वो अलग चीज है, उसमें दशा भी सही आती नहीं आती उसका कुछ कहना पता भी नहीं। मैंने आपको इसलिए तो इसका भेजा था ना। हाँ, आपने मुझे भेजा था, तो उसमें आप देखिए इतनी बड़ी विद्या ग्रहण कर रहे हो आप, तो पाराशर लाइट का इस्तेमाल कीजिए और कोई मत इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गुरु शनि राहु आपकी 30/4/22 से 7/22 तक चलेगी, उसके बाद बुध की दशा आपकी स्टार्ट हो जाएगी जो 17/23 तक चलेगी, और बुध भी आपका केंद्र में बैठा हुआ है, दशम भाव के फल आपको देगा, तो हो सकता है कि दशम भाव आपका एक्टिव हो और दशम भाव से संबंधित आपकी कुछ काम आपके बने। लेकिन सर गुरु की जो दशा है उसमें आप गुरु और बुध का जो एक्सिस बन रहा है वो आपका 6/8 का बन रहा है। गुरु बुध का 6/8 का एक्सिस आपका बन रहा है, बिल्कुल सही कह रही हो आप, 6/8 का एक्सिस बन रहा है, तो प्रॉब्लम तो रहेंगी लेंगी। और बन भी कहाँ से रहा है? वो बन भी रहा है आपके कर्म भाव से। जी ठीक है ना, कर्म भाव से गुरु बुध का एक्सिस 6/8 का आपका बन रहा है, तो थोड़ी समस्या तो कर्म में स्ट्रगल तो आपको रहेगी, लेकिन जॉब आपको मिल जाएगा क्योंकि ये आपके बुध की दशा है, तो ये आपको इसको बढ़ोतरी करेगी। आपका भी पहला जॉब तो नहीं होगा ना? नहीं सर, पहला नहीं है ये, पहला हाँ, तो बस फिर ठीक है, काफी पहले था। हाँ अभी क्या है कि सर लेकिन मैं बिजनेस का सोच रही हूँ एक्चुअली, मैं बिजनेस सोच रही हूँ। आपके इधर देखिए ना कितने ग्रह हैं, 1, 2, 5 ग्रह हैं आपके इधर। सर बेसिकली मैं देखूँ तो मैंने मतलब इंडिया में तो जॉब किया है, बट यूके में आके मैंने जॉब जब शुरू करी है बाद में फ्रीलांसिंग या कमीशन बेसिस पे आई है, और वही मेरी चलती है। अगर जॉब करती हूँ तो किसी ना किसी वजह से छूट जाती है, और जब मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो वो कंटिन्यू रहता है। अच्छा देखिए, बिजनेस का जो बिजनेस करें या क्या करें, क्या जरूरत होती है उसके लिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा, आपको आगे दिखाऊंगा, अभी आपके आने वाला है स्लाइड के अंदर, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मेरे हिसाब से कुंडली आपकी बिजनेस के योग्य है, अभी वो कैसे है वो आपको आगे दिखाता हूँ मैं, आपको पता चलेगा इसके अंदर। एक सेकेंड, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपको पता चला कि लग्नेश और कर्मेश का एक्सेस देखना भी बहुत जरूरी है, वो D1 के अंदर भी देखें और D9 में भी देखें, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कैसा है। अच्छा, इसके बाद लग्नेश और कारक का एक्सेस भी देखें, 10वें भाव का जो कारक है। D10 में नहीं देखने का? D10 में भी देखना है, लेकिन D10 अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने आपको, इसलिए मैं आपने D9 ये दो बोला ना, इसलिए मैंने बोला कि D10 भी, वैसे तो D9 भी आपने नहीं पढ़ाया ना। हाँ D9 तो इसलिए जरूरी है कि D9 और D1 में अगर 6/8 आ गया फिर तो मतलब उसके जीवन में आप निश्चित रूप से कह सकते हो भैया तेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तेरा जॉब आसानी से लगेगा नहीं, लगेगा तो तेरा जॉब छूट जाएगा और तुझे प्रॉब्लम ये रहेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों जगह 6/8 का एक्सिस आ गया। D9 की जो
जो आपका विमशोपक बल बोलते हैं जिसको, विमशोपक बल में इसकी वेटेज डी नाइन की जो वेटेज होती है, अगर डी वन की 5 है तो इसकी 4 है, तो इसलिए डी नाइन में देखना बहुत जरूरी। डी नाइन प्रॉमिस का कंफर्मेशन दे रहा है, कंफर्मेशन होता है प्रॉमिस का। तो अगर डी नाइन के अंदर भी ये वो चीज हो जाती है तो फिर समझिए कि फिर तो वो हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने जन्मकालीन दशा के बताए, इसके बाद आपके उस पर आते हैं कि जैसे मैंने बताया कि भाव भावेश कैसे देखते हैं, तो भाव बल का बताया आपको कि भाव बल कैसे डिसाइड करेंगे, कि भाव देखेंगे, भावेश देखेंगे, कारक देखेंगे, तीनों चीज देखेंगे। उसके बाद लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस देखेंगे, लग्नेश और कारक का जो जॉब का कारक है, दसवें भाव का कारक है, उसका एक्सिस देखेंगे, डी वन में देखेंगे, डी नाइन में देखेंगे, डी टेन में देखेंगे। लेकिन डी वन डी नाइन का विशेष है, अगर डी वन में ही गड़बड़ होता है तो ही आप कह सकते हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर रहेगी। लेकिन सर डी वन में प्रॉब्लम है और डी नाइन डी टेन में प्रॉमिस ओके दे रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दो मतलब डी वन और डी नाइन कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो डी टेन में जाने का, नहीं नहीं डी टेन में तो चले जाइए आप, डी टेन से तो थोड़ा और फर्दर आप वो ले सकते हैं। देखिए डी वन मेन तो डी वन है आपका चार्ट, अगर डी वन में 6-8 का एक्सेस आता है तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि उस आदमी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो प्रोफेशन के अंदर, ऐसा तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होंगी, चाहे वो प्रॉब्लम बहुत हल्की फुल्की हो कोई दिक्कत नहीं है। और वो डी नाइन के अंदर अच्छा एक्सेस बन रहा है, डी नाइन में 3-10 का एक्सेस बन रहा है, या 3-11 का बन रहा है, या 4-10 का बन रहा है, या 5-9 का बन रहा है, तो बहुत कम प्रॉब्लम होगी, मतलब वो फील नहीं कर रहा होगा, वो ऐसी प्रॉब्लम होगी जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर डी नाइन में भी 6-8 है, हाँ दो बारह तो गलत गढ़ है ही, दो बारह तो गलत है ही है, मैंने कहा 6-8 और 2-12 का एक्सिस जो है वो गलत है, हाँ 6-8 और 2-12 का एक्सिस जो है वो आपको गलत लेना है। देखिए 2-12 में लेकिन मतलब यही है कि 12वें भाव में अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ वो आपको ध्यान रखना है। अरे इसमें ये भी देखना होता है ना, इसकी कार्य के वर्ग तो अच्छा चल रहा है लेकिन खुद बीमार और भी वो ज्यादा रहता है, दूसरे उससे भी तो फर्क पड़ता है ना, कौन सी दशा का क्या किस पे असर करेगा। हाँ वो आगे आ रहा है इसके अंदर, वो सारी चीज आ रहा है, कौन दशा से किस असर। अभी जो बताया 2-12 में अंतर दशा लेना है, क्या बताया फिर से एक बार बताइए सर। मतलब ऐसा है ना, 2-12 में अंतर दशा आना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो ना कि 2 नंबर में अंतर दशा हो, जैसे 2-12 का एक्सिस आप काउंट करते हो। हाँ मेरा ही है सर, मेरा 2-12 का है, तो सर उसको समझा नहीं आती अंतर दशा वाला, क्या बताया फिर से एक बार बताइए। देखो बताता हूँ एक सेकंड, कुंडली पे बताया ना सर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वही मैं देख रहा हूँ कुंडली में बताया। इनकी कुंडली होगी ना आपके वहाँ पे? नहीं यही दिखा देता हूँ मैं। अब जैसे इसमें देखिए, बुध में शुक्र की अंतर दशा है मान लिया, ठीक है, तो बुध तो 2 नंबर में बैठा हुआ है, यहाँ से 2 नंबर बैठा हुआ है, और शुक्र यहाँ से 12 नंबर बैठा हुआ है मां दशा से, जी अंतरदशानाथ 12 नंबर पे महादशा से, तो महादशा से अंतरदशानाथ 12 नंबर पे होना चाहिए, अंतरदशानाथ 2 नंबर पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बुध यहां हो और शुक्र यहां हो तब बुध में शुक्र की, समझ गए नहीं, तो अंतरदशानाथ को महादशानाथ से 12 नंबर पे होना चाहिए तो खराब फल होगा, तो खराब फल। नहीं फिर से सर, फिर से महादशानाथ से इसमें बुध में शुक्र आएगी तो खराब है या शुक्र में बुध खराब है? शुक्र में बुध खराब नहीं है, शुक्र में बुध में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बुध दूसरे भाव में चला गया, ये धन की दशा होगी। मतलब अंतर दशा सेकंड वाला जो प्लेनेट है अंतर दशानाथ वो सेकंड में है से तो 12 होना चाहिए तो धन मिलेगा। हाँ तो धन मिलेगा, सेकंड में है तो धन अच्छी दशा होगी। हाँ महादशा से होना चाहिए, अंतर दशानाथ महादशानाथ से पीछे है मतलब 12वें में है तो धन जाएगा, तो धन जाएगा, तो वो दशा अच्छी नहीं होगी। इन जनरल सर आपने जो बताया ना एक्सिस जैसे कि कर्मेश और इसका लग्नेश का, इन जनरल अगर 2-12 का रहे तो कैसे रिजल्ट देखेंगे? मतलब वो तो फिर नेगेटिव हो ही गया ना अपने में, उसके लिए तो फिर वेट नहीं करेंगे ना। मतलब जैसे कि आपने तो सिर्फ अभी जैसे कि एक्सिस खराब रहा तो वो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, तो 2-12 होने से तो प्रॉब्लम तो करेगा ही, 2-12 एक्सिस होने से प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम डी नाइन में भी चेक कर लो ना क्या है आपका, और ज्यादा प्रॉब्लम सर दशा चलेगी तब ज्यादा। हाँ वही मैं मतलब थ्रू आउट तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। हाँ हाँ वही पूछना चाह रहा था मैं कि थ्रू आउट ऑब्स्टेकल्स तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि दशा ही खराब है ना, मतलब इफेक्ट ही खराब है ना, कर्म तो आप पूरी सारी लाइफ टाइम कर्म तो करते ही रहोगे। वही मैं पूछ रहा था कि जैसे कि
थ्रू आउट तो रहेगा ही, जब जब दशा और अंतरदशा एक्टिव होगा तब ज्यादा हाईलाइट होके सामने ज्यादा, मतलब तब ज्यादा सामने आएगा। और वैसे भी आप डी नाइन के अंदर भी चेक कर लो, डी नाइन में क्या आपका एक्सिस है वो भी चेक कर लो, लग्नेश का और उसका एक्सिस क्या है डी नाइन में, वो भी आप चेक कर लीजिए। आपका डी वन में दो बारे का है तो डी नाइन के अंदर भी चेक कर लो, उसका डी नाइन के अंदर अच्छा एक्सिस हो आपका, तो जो दो बारे के छोटे मोटे रिजल्ट आपको गड़बड़ मिलने भी है वो भी उसके अंदर सबसाइड हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वहाँ 4-10 का है सर, 4-10 का है तो बहुत अच्छा एक्सिस है आपका, 4-10 तो सबसे अच्छा एक्सिस माना जाता है। हाँ तो डी नाइन में सर, डी नाइन में 4-10 अच्छा है या 5-9 अच्छा है? सबसे बढ़िया एक्सिस तो आपका होता है 3-11 का, 3-11 का, क्योंकि मतलब उसमें कर्म करो और आप एकदम लाभ लो, बिल्कुल 3-11 फिर okay. हाँ सबसे बढ़िया एक्सिस 3-11 फिर 4-10 फिर 5-9 सर। अगर सूर्य की दशा और मरकरी की अंतर दशा है और दोनों एक ही घर में बैठे हो तो हाँ, अगर सूर्य की तो समसप्तक हो गया ना, वो समसप्तक हो गया, ओके, एक दूसरे सातवें नंबर बैठे हो या एक साथ बैठे हो तो वो समसप्तक की दशा जाती है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब अभी आपने एक बताया 3-11 में अगर कोई दशा हो तो अच्छा, जैसे मान लीजिए 3 के अंदर किसी की दशा चल रही है गुरु की और बुध की, और 11 के अंदर शनि की दशा है, शनि है मतलब, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये एक्सिस जो है दशा का, बुध में शनि की दशा किसी की अगर है और वो एक्सिस अगर 3-11 का है, बुध जो है 3rd नंबर पे है, शनि 11वें नंबर पे है बुध से, तो वो 3-11 का एक्सिस जो है वो एक अच्छा एक्सिस बन जाता है, वो दशा आपको इतना खराब नहीं करती। और सर चार दस वाला बताया सर आपने, 4-10 वाला जो एक्सिस बताया है वो 4-10 वाले एक्सिस को सर किस तरीके से देखेंगे, जैसे कि वहां तो मेहनत करके 3-11 में लाभ मिलता है, 4-10 वाले में क्या मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा? हाँ बताओ, फ्लेक्सिबल रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा 4-10 के और नॉर्मल चलेगा, अच्छा यही ना, नॉर्मल चलेगा जी जी। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब आप जैसे आते हैं कि तो सर करियर में सर एक मिनट, सम सप्तक है तभी तो जैसे मतलब आप जो डाल जितना बोओगे उतना पाओगे वैसा वाला हो जाएगा ना, उतना पाओगे जितना बोओगे उतना पाओगे, उतना पाओगे वैसा हो जाएगा ना। तो जैसे मीन लगना है और कन्या लगना है, ये दो ऐसे लगना है जिसमें कभी भी मतलब वो ही रहेगा, सम सप्तक रहेगा क्योंकि पूरा मतलब वो जैसे दोनों 12-9 आएगा और 6-3 आएगा, बिल्कुल ओके। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कैरियर में पहले तो हम लोग कैरियर को करने वाले ग्रह की वो देख लेते हैं कि कैरियर निकालते कैसे हैं। एक सेकंड, ये स्लाइड में आगे चला गया क्या? हाँ कैरियर आगे चला गया। चलिए पहले कैरियर यहां से लेते हैं फिर उसके बाद पीछे चले। हाँ कैरियर का चुनाव कैसे करें, देखिए ये एक लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है। जिन लोगों ने कर लिया है कैरियर का चुनाव उसमें तो अलग बात है, अब तो उनको तो केवल हम सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप किस तरह काम कर लो, तो आपका माइंडसेट ऐसा है, आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिन्होंने अभी चुनाव नहीं किया है, नॉर्मली ये कहते हैं कि कैरियर का चुनाव हमेशा 12वीं क्लास के बाद ही करना चाहिए, 12th क्लास जब हो जाए तब उसके कैरियर के बारे में सोचना चाहिए सर। लेकिन अब तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तो 10th के बाद डिसाइड करना पड़ता है। नहीं 10th के बाद डिसाइड तो करना पड़ता है, लेकिन जाते तो 12th के बाद ही है ना, आप चाहे इंजीनियरिंग में जाएं चाहे मेडिकल में जाएं। नहीं ना कैसे 10th में के बाद कहां जाते हैं? 10th के बाद आप 11th में आए हैं तो मैथमेटिक्स रखना है या छोड़ना है 11th में? वो तो ठीक है हाँ, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल तो 11th से अलग हो गया। अब आज मुझे मान लो कि कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है तो वो 10th के बाद ही डिसाइड हो जाएगा। So, ये जो 12वीं है अब तो अब के कौन वो आप देखने जाओ आपके यहाँ तो, आपके यहाँ गुजरात में कौन सा सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? कोई भी बोर्ड हो सर, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, नहीं नहीं ये स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का एक बार जरा देख लीजिए, मुझे लगता है कि शायद एक बोर्ड के अंदर कॉमन रहता है 12th तक। नहीं नहीं सर, आई थिंक वो सही बोल रहे हैं, मेरे पास एग्जांपल है मेरे भाई, यूपी बोर्ड में तो हमारे यहाँ अलग था, हमारे यहाँ हाई स्कूल से अलग था। अरे किसी भी बोर्ड में सर, अब ये एनसीईआरटी का हो गया पूरा, इवन इंटरनेशनल बोर्ड है उनको भी 10th के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे इसलिए मालूम है सर कि मैं बात क्या एजुकेशन से लगा तो ये 10th के बाद आएगा, यहाँ 12th जो आपने लिखा है ना उसको 10th कर लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ अगर जैसे ही आप क्या पूछना चाह रहे हैं इस बार 10th बार
ये करना चाह रहे हैं कि जैसे मान लिया कोई ये टेंथ के बाद चलो ये तो दे लेते हैं कि वो कोई बंदा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहता है या कोई मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई टेंथ के बाद इसको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भेजना है तो उसको टेंथ के बाद से सब्जेक्ट दिलवाने हैं, मैथ्स दिलवाना है, हमारे इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में दूसरा काम शुरू कर दिया तो वो तो उसमें भी लिखा था और आगे का भी लिख रहा है, दोनों चीजें हो रही है, अलग सब्जेक्ट हो गया, वो तो अलग हो गया, वो तो 40 साल में भी होता। सर ने अपना ही दिया ना, इंजीनियरिंग करके एचआर में गए, कहां दोनों का लिंक है, तो वो तो प्लेनेट अपने हिसाब से खींचेगा, वो अलग बात, खींचेगा वो अभी आगे आएगा, सारी चीजें वो आगे आएंगी इसके अंदर। मतलब ये बताया है खाली के भाई कैरियर का चुनाव नॉर्मली अच्छा के 12वीं आप 10वीं लेके चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 10वीं 12वीं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10वीं लेके चलिए कि मतलब कैरियर का चुनाव जो है वो कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि दशम में राशि कौन सी है, ग्रह कौन सा है, वो चीज देखनी होती है। जैसे पीछे भी मैंने बताया था राशि का तरीका बताया था कि राशि से उसकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मालूम चलती है, तो दशम स्थित राशि देखिए और ग्रह देखिए। अगर दशम में जो ग्रह हो उस ग्रह के अनुसार आपका जॉब होता है पहला। देखिए आपको दो तीन ग्रह सिलेक्ट करने पड़ेंगे जॉब के लिए, वो दो तीन ग्रह का आप ध्यान रखिए, दो तीन ग्रह आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला ग्रह तो वो होता है जो दशम में बैठा है आपके, तो दशम भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह के हिसाब से आप जॉब कर सकते हैं, वो जॉब भी आपके लिए सुटेबल होता है, बताया जा सकता है उसको। किसी के दसवें भाव में किसी के बुध बैठा है तो आप कह सकते हैं तुम बुध की तरह जॉब कर लो, बृहस्पति बैठा है तो तुम कह सकते हैं कि बृहस्पति की तरह जॉब कर लो, शुक्र बैठा है तो कह सकते हैं कि शुक्र की तरह जॉब कर लो, तीन तीन बैठा है। हाँ बताता हूँ मैं, अच्छा मैंने वो बताया आपको कि जो प्रोफेशन और ग्रह का क्या कैसे कौन सा प्रोफेशन देखते हैं, नहीं अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे, वो भी हम पढ़ा लेंगे साथ में, ग्रह और प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं ताकि आपको मालूम रहे सारा। तो दशम स्थान में अगर एक ही ग्रह है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपने चूज कर लिया एक ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आकांक्षा जी के तीन ग्रह बैठे हैं दशम स्थान में, तो दशम स्थान में अगर तीन ग्रह बैठे हों तो उस केस, अच्छा दीक्षित इसमें राहु केतु नहीं इस्तेमाल होता, ये कोई ग्रह भी नहीं हो तो भी उसका भी बता दिए साथ में। हाँ वो सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब सर राहु केतु बैठा है तो उसको नहीं है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ राहु केतु को नहीं, राहु केतु को आपको नहीं मानना है। अगर राहु केतु दसवें भाव में राहु है तो आपको नहीं मानना है कि दसवें भाव में कोई ग्रह बैठा है, ठीक है। तो दसवें भाव में सबसे पहली बात तो ये कि ग्रह बैठा है वो चेक कर लीजिए, उस ग्रह के अनुसार जॉब होगा। दूसरी चीज, पहला ग्रह जो निकल कर आया आपका वो अलग ग्रह निकल कर आ गया, दूसरा ग्रह आपका निकलता है, अब अभी दूसरा ग्रह बाद में बताऊंगा, अगर मान लिया एक ग्रह से ज्यादा है वहां पे तो आपको करना क्या है कि जो षडबल में सबसे बलवान ग्रह है उसको देख लीजिए। तीन ग्रह हैं तो षडबल में जो सबसे बलवान ग्रह है उसको पकड़ लीजिए, वो वाला ग्रह नोट कर लीजिए, वो ज्यादा रूल करेगा, अब वो ज्यादा रूल करेगा। आपको अभी पहला ग्रह नोट करवा रहा हूँ मैं, इसके अंदर दो या तीन ग्रह नोट करने पड़ेंगे, अभी मैं पहला ग्रह नोट करवा रहा हूँ आपको। पहला ग्रह तो नोट करने के लिए अगर दशम स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो उसको नोट कर लीजिए, कोई नहीं तीन बैठे हैं तो तीन में से जो षडबल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट कर ले, वो हो गया। अब मान लो कोई ग्रह नहीं बैठा दशम स्थान, सर षडबल में जो दशम में जो बलवान है वो लेने का ना। हाँ हाँ तीन ग्रह जो षडबल में बैठे हैं तीन ग्रह उनमें देखना है कि उनमें षडबल में कौन बलवान है। ओके ओके ओके, अच्छा अब आपको देखना है कि दशम भाव में मान लिया कोई ग्रह नहीं बैठा तब क्या करें, तो दशम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपको ये देखना है कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश इन तीनों में से षडबल में कौन बली है। अच्छा सूर्य चंद्रमा और लग्नेश, मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा इसके अंदर, सूर्य चंद्रमा और लग्नेश तीनों में से कौन सा बली है ये आपको चेक करना है, मेरा ही दशम भाव देखना है। जैसे अभी एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुंडली, मेरे पास शायद एक आध रखी होगी कुंडली से, मेरा मेरा मिल जाएगा सर, हम लोग डिस्कस किए थे मेरे वाले पे, इस पे भी तो किया था ना, एक सेकंड में पूछ रहा था, इसमें तीन तीन है तो इसमें सूर्य बलवान है, इसमें तो ये वाला एग्जांपल दिख ही गया ना क्योंकि यहाँ तो बैठा हुआ है। हाँ भाई नहीं बैठा हुआ ऐसा वाला रहना है, तो यहाँ पे तीन ग्रह बैठे हुए हैं ना, मेरे मेरे बैठा सर, आप मेरा ले ले, सर आप ले लेते, चलिए आप ले लेते, सर आप इनको ले लीजिएगा, बस मुझे एक चीज, एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए यहाँ पे तीसरी राशि है टेंथ हाउस में जी, तीस नंबर है, मतलब मिथुन राशि है, मिथुन राशि और मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है,
तो इस समय फिर इसमें सूर्य वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही चीज आ रही है, वही चीज बता रहा हूँ, सूर्य चंद्र और मंगल वही बता रहा हूँ मैं, अंकुर की अंकुर का बता रहा हूँ ना। तो सेव किया होगा ना सर आपने? पता नहीं यार, सेव आकाश का सेव तो कर लिया, अब इसका भी सेव कर लूंगा अंकुर का। अंकुर बोलना क्या डेट है? लास्ट टाइम डिस्कस किया था सर हमने इनका। अंकुर कहाँ गया? मैं बोल देता हूँ, सीएल कल्याणी ले आप। नहीं उससे उसके उस दसवें भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं था ना, उससे शायद म्यूट कर लिया। इनके भी इनका भी कोई मेरे इनका भी नहीं बैठा है। आपके दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा? आप बोलिए अपना बोल दीजिए। हां दसवें भाव सीएल कल्याणी, हां पुरुष, डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर दिनांक है 21 दिसंबर 1947, समय 0.45, राजस्थान, स्थान जोधपुर। यही कुंडली है आपकी? हाँ जी। हाँ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ हाँ हेलो 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 अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस कुंडली के अंदर दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ। म्यूट तो नहीं है ना? हाँ म्यूट नहीं है। दसवें भाव में इस कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ठीक है कलानी साहब? हाँ जी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो हरे कृष्णा, हाँ बता सो।
हाँ सॉरी, वो जरा एस्कॉन टेम्पल से फोन आ गया था तो बाय चांस बात करनी पड़ी। ओके सर। हाँ ये कुंडली है, देखिए इसमें दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ पे जॉब कैसे डिसाइड करें? यहाँ पे जो पहला ग्रह है जॉब के लिए, जो पहला ग्रह हमें चूज करना है वो हम कैसे डिसाइड करें? पहला ग्रह हम डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश, सूर्य चंद्रमा और लग्नेश तीनों में कौन बलशाली है। लग्नेश क्या कौन बनता है इसके अंदर? कलानी साहब बताइए, कलानी साहब को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए कलानी साहब बताइए, लग्नेश कौन है कुंडली में? लग्नेश कन्या है। नहीं ग्रह, ग्रह ये कन्या, कन्या का ग्रह है ना। हाँ क्या नाम है? कन्या लगन हुआ ना सर। नहीं कन्या लगन हुआ, स्वामी कौन है? स्वामी कौन है? स्वामी इसका तो बुध हुआ। हाँ बुध हुआ, यस। तो आपका लग्नेश है बुध, ठीक है। हाँ जी। अच्छा दसवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं बैठा, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जॉब कैसा होना चाहिए। तो दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसका स्वामी हो गया बुध, आपने बुध को ले लिया। अब आइए कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और तीनों को षटबल में देखिए, सूर्य चंद्रमा और बुध तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन सा है? इसमें तो सूर्य चंद्रमा बलशाली है। चंद्रमा बलशाली है सबसे ज्यादा, सूर्य चंद्रमा और बुध में चंद्रमा सबसे ज्यादा बलशाली है। तो आप क्या करेंगे कि आप जहां चंद्रमा बैठा है कुंडली के अंदर, जहां पे चंद्रमा कुंडली में आपकी बैठा है, यहाँ यहाँ से दसवां भाव काउंट करेंगे। यहाँ से दसवां भाव, हाँ ये सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, दसवां हो गया। हाँ दसवें भाव का स्वामी कौन बनता है? गुरु। गुरु स्वामी लेना है इसका। हाँ और स्वामी गुरु, हाँ स्वामी गुरु बनता है दसवें भाव का। हाँ और गुरु बैठा है नवांश कुंडली में, जाइए डी नाइन चार्ट में जाइए, गुरु कहाँ बैठा हुआ है? गुरु बैठा है गुरु की राशि में, गुरु की राशि में। तो आपका काम जो है वो गुरु की तरह होना चाहिए, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, इस तरह की चीजों में आपका काम होना चाहिए। मतलब जो आपको ज्यादा सूट करता है, जो गुरु के तरह के फंक्शंस आपके होते हैं, इस तरह का ये सही हो गया ना, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ। हाँ बस वही आपको सूट करता है तो हाँ। इसलिए आपका आप बिल्कुल सही इंडस्ट्री में रहे हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है, मानो कि वो ग्रह हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, देन उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए जब कर्म निर्धारण कर रहे हैं आप तो आपको ये नहीं लेना कि वो ग्रह आठवें में बैठा हुआ है या कहाँ बैठा हुआ है या पीड़ित है या कैसा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। okay. ठीक है ना, कर्म निर्धारण करते हुए जब आप कर्म निर्धारण कर रहे हैं, आजीविका निर्धारण कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ये नहीं चीज कंसिडर करनी कि ये ग्रह मेरे आठवें भाव में बैठा है या ये ग्रह मेरा बहुत गड़बड़ है, ऐसा कुछ आपने नहीं लेना है। Okay, बस सिंपली okay. बात है कि आपको दसवां भाव को देखना है, तो ये आपको इस तरीके से देखना है जहां मतलब ये तभी करना है जब कोई प्लैनेट नहीं है, तब तब सूर्य चंद्र लग्नेश में मैक्सिमम बलशाली है वो देखना है। ठीक है तो सर तो उसको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्लैनेट का फर्क नहीं पड़ेगा? अभी कुछ नहीं लीजिए, उसका जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लीजिए बस, और okay, कुछ okay. नहीं लीजिए। ठीक है तो ये तीन तरीके हुए पहला ग्रह निकालने के लिए। इससे निकला आपका पहला ग्रह जो आपके काम के ऊपर फर्क डालता है या जो आपका काम जिस ग्रह के अनुसार लगन के अंदर जो भी ग्रह है लगन में आगे, जैसे बुध हो गया। हाँ और बुध का स्टेटस जो है वो थोड़ा कमजोर है। हाँ लेकिन बुध 10th हाउस में भी है और इसको गुरु देख रहा है, अपने सूर्य देख रहा दसवें के साथ। हाँ इसका दसवां ऐसा सूर्य है। नहीं आप क्या मतलब कंफ्यूज हो रहे हो कलानी साहब आप? नहीं नहीं मैं तो ये अभी जो अभी बताया ना इन्होंने कि 9th के अंदर गुरु यहाँ आया था 10th हाउस में। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको, ये देखना है कि सूर्य चंद्रमा और लग्नेश, लग्नेश बनता है आपका बुध, कन्या राशि का स्वामी बुध बनता है आपका। हाँ तो सूर्य चंद्रमा और लग्नेश इन तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है ये आपने चेक करना है। चंद्रमा आपका सबसे ज्यादा बलशाली है 1.4। फिर चंद्रमा से आपको दसवां स्थान लेना है, तो चंद्रमा से ये सातवां हुआ, ये आठवां हुआ, ये नवां हुआ, ये दसवां हुआ, दसवें स्थान में 9 नंबर राशि है। हाँ ठीक है, 9 नंबर राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु गुरु को आपने देखना है कि वो D9 चार्ट में कहाँ गया है। D9 चार्ट में गुरु अपनी ही राशि में गया है, 9 नंबर राशि में गया है। तो आपका जो जॉब होगा वो गुरु की तरह होगा कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहिए,
आपको उससे बड़ा फायदा मिलेगा और आप सक्सेसफुल उसके अंदर रहेंगे। सर दो ही चीज दो ही हुआ ना, एक तो जो बैठा है वो देखने का और दूसरा ये नहीं बैठा है तो इस तरह से देखने का। हाँ आपने बोला ना अभी तीन मेथड हुई फर्स्ट प्लैनेट को ढूंढने की, उसले मैं पूछ रहा हूं। तीन मेथड है ना फर्स्ट प्लैनेट को ढूंढने के लिए, तीन मेथड इसलिए बोले कि कोई बैठा है तो वो देखने का, आधे बैठे हैं तो उनमें से बलशाली देखने का, ओके ओके उस तरह से, ओके। और कोई नहीं बैठा है तो इस तरह देखने का, ठीक है ओके। तो ये हमने डिसाइड किया फर्स्ट प्लैनेट, ठीक है। सेकंड प्लैनेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? सेकंड प्लैनेट के लिए आप जाइए, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ये लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलशाली होता है उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे, उसका प्रभाव आपकी लाइफ पे, उसका प्रभाव आपके कैरेक्टर पे हमेशा रहता है। अच्छा, होल लाइफ रहता है। सॉरी क्या बोला सर आपने? जो कुंडली में सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह होता है आपका षट बल में जी, उसका प्रभाव आपको, उसका प्रभाव आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा आदमी के ऊपर। जैसे मंगल है, मंगल सबसे ज्यादा बलशाली है, मंगल आपका बहुत बलशाली है, तो मंगल आपको, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे बहुत, और हमेशा मतलब आपके अंदर एक एनर्जी का एहसास महसूस होगा, ये आपके लिए रहेगा क्योंकि मंगल आपका बहुत बलशाली है, तो आपका व्यक्तित्व जो है वो मंगल की तरह रहेगा, थोड़ा मतलब हल्का सा गुस्सा भी आना बातों पे वो भी आना, या आपका थोड़ा एनर्जी लेकिन काम में बहुत होना, एनर्जी पसंद करना। नवास में मंगल पे फिफ्थ हाउस में चला गया तो उससे फर्क पड़ता है? नहीं नहीं उससे मत देखिए आप, अभी मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह है आदमी की नेचर या आदमी उस तरह का भी उसका प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, कुंडली में जो आपका बलशाली ग्रह है। तो अब जो आत्मकारक बनता है इसलिए सर? नहीं, आत्मकारक तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है, वो नहीं। षटबल की बात कर रहे हो? षटबल की बात कर रहा हूँ। तो वीनस कारक आपका वीनस है ना, तो आपकी आप अपना लाइफ को देखिए ना, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो जिनका वीनस कारक है तो आपके ऊपर एक शुक्र का प्रभाव है आपके ऊपर, प्रभाव रहेगा हमेशा, ब्यूटी और लग्जरी ऐसे, हाँ ये सब चीज थोड़ा सा मतलब आप हमेशा खुश रहेंगे, मतलब इस तरह का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, थोड़ा रहेगा हमेशा के लिए। हाँ सर, क्योंकि शुक्र मेरे में नहीं दिखता है सर। नहीं नहीं वो आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी दिलों को दिख रहा होगा। ये ब्यूटी वो सब देखने की आपकी चीज नहीं ना, वो सामने वाला देखेगा। आप अपने बेटर हाफ को पूछे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, मैं अपना नेचर बता सकती हूँ। जैसे अगर वीनस है तो कुछ चीजें मुझे दिखती हैं कि मुझे घर अच्छे से रखने का शौक है, ये वीनस हाँ, है ठीक हाँ। है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सज धज के परमानेंटली, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं परमानेंटली सजी चली, मेरा वैसा नहीं है, आई एम वेरी सिंपल दैट वे। कोई बात नहीं, तो लेकिन घर भी आप सजाती हैं तो उसका फर्क भी वीनस के ऊपर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो वीनस की क्वालिटी आपके अंदर आएगी जी। हाँ वो है वीनस की क्वालिटी आपके अंदर आएगी, और जब वीनस की दशा आएगी तो आप सजने संवरने भी लगेंगे उसमें। हाँ पूछिए एक सवाल, जैसे अब मंगल का ये बोला, मंगल का भी इसमें, अब मंगल की दशा आएगी मेरी 23 में, 23-5 के बाद, तो वो कैसी रहने का है इसमें? ये अभी कुंडली लगी हुई है क्या? हाँ अभी तो चंद्र में शुक्र की दशा चल रही है आपकी। हाँ 23 खत्म हो जाएगी इसके बाद में, ये लास्ट चल रही है, तो सूर्य आएगी। हाँ नहीं ये 23 में आएगी, वो 23-5 वो महादशा की बात कर रहे हैं आप, आगे जाने दीजिए ना, ये नीचे नीचे करिए। अच्छा मंगल की जगह बात कर रहे हैं आप? हाँ ये आगे मंगल हाँ मंगल लग गया ना यहाँ पे। ये कोई नहीं, मंगल की महादशा है तो ये तो महादशा आपकी प्रकृति को चेंज करेगा ना, आपका स्टाइल जो है, मैंने आपको बताया था कि महादशा आपकी प्रकृति को चेंज करता है, फर्क आपके ऊपर अंतरदशा का ज्यादा पड़ता है सर। लेकिन मंगल में जब मंगल आएगा तो अंतरदशा भी उसी की हुई। हाँ अंतरदशा भी उसी की है, तो हाँ, उस केस में जो मंगल में मंगल की अंतरदशा है वो थोड़ी उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में, और वो खुद 12th में बैठा हुआ है, खुद वो 12th में बैठा हुआ है और उसकी मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में है, वो थोड़ा सा उसका फर्क पड़ा हुआ है, जिसके कारण मंगल की दशा में इनको, मंगल में मंगल की दशा में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, मंगल में जो राहु आएगा उसकी दशा में भी थोड़ा कष्ट आपको हो सकता है। ये 23 और 24 जो आपका है, थोड़ा सा
आपका कष्टकारी है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है जरा सी। मतलब वो कष्ट मतलब हेल्थ रिलेटेड कष्ट, हेल्थ रिलेटेड कष्ट होते हैं। भाव राशि भी एक बार चेक कर लीजिए इसके अंदर, वो कैसे करने का फिर से एक बार समझा देंगे ना। लगन देख लीजिए, हाँ लगन से आठवें भाव का स्वामी, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हेल्थ की हानि, हाँ तो हेल्थ की हानि के लिए हमें पहले भाव का नाश देखना होगा ना। हाँ 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 ओके ओके, तो इससे आठवां भाव का स्वामी मंगल, मंगल 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 किस राशि में बैठा है? पांच नंबर राशि, सूर्य में, सूर्य में। अच्छा बारहवें भाव का स्वामी कौन है इससे? सूर्य, सूर्य बैठा है नौ नंबर राशि में, ठीक है। तो एक मतलब बारहवा भाव किससे आप जो भाव देख रहे हैं उससे बारहवा देखने का? हाँ लगन से बारहवा ही, ओके ओके ओके। लगन से बारहवा भाव कौन सा है आपका? ये है हाँ, बारहवें भाव का स्वामी बना सूर्य, सूर्य सूर्य आपका बैठा है नौ नंबर राशि में। तो एक राशि ये नौ नंबर आ गई, लगन से आठवें भाव का स्वामी बनता है मंगल, मंगल बैठा है पांच नंबर राशि में, एक राशि ये आ गई आपके पास, एक पांच, एक पांच नौ। तो चलिए भाव नाश तो इसमें नहीं होता, एक पांच नौ तो निकल गया आपका, क्योंकि नौ में शनि जा चुका है ऑलरेडी, नौ में रहा होगा चार पांच साल पहले, अब तो ग्यारह में चल रहा है ना। जब शनि एक नंबर राशि में आएगा, अभी तो टाइम है, ढाई ढाई दो बार पांच साल बाद, हाँ पांच साल चार साल समझिए आप अभी, तो उस केस में तब इनको बहुत जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की। ओके तब आगे वहां पे राहु भी है और वहां से गोचर होगा, हाँ वो मंत्र बंत्र कर लें तो वो एक थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि ये देखिए ना मंगल में राहु की दशा भी आपकी हो जाएगी और चार पांच साल आप पे लगाएंगे तो वही 26-27 बैठेगा ना, शनि भी आ जाएगा उस केस में। तो जब मंत्र बता देंगे, अभी तो बहुत टाइम है सर, अभी बिल्कुल ऐश कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास मंत्र शुरू कर दिए गए, हाँ मंत्र शुरू करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा टाइम है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी हम ग्रह पे पहुंचते हैं, हाँ, फिर आपके आते हैं हम लोग इसी कुंडली पे। सर वो लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था मतलब वो उसमें एक दो क्वेरी है, अच्छा उसको डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अभी ये देखिए कि करियर का, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पहला ग्रह निकालना है हम लोगों ने जी सर। अच्छा अब दूसरा ग्रह कैसे निकालना, दूसरे ग्रह के लिए आपको क्या करना है, सपोज करो ये आकांक्षा की कुंडली ले लेते हैं, तो इसका पहला ग्रह कौन सा आया था? सूर्य। जवाब बताओ सर, सूर्य था, सूर्य 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 नहीं सॉरी वीनस है ना षटबल में, नहीं 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 सूर्य आया, सॉरी हाँ हाँ सूर्य जो है सूर्य को लेंगे कि वो षटबल में सबसे ज्यादा है, वहां से हम टेंथ हाउस देखेंगे वहां से, नहीं 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 अभी षटबल में सबसे, हाँ सूर्य आपका षटबल में तीनों ग्रहों में ज्यादा है, ठीक है तो उससे टेंथ ही देखना, वो सूर्य आ गया, पहला तो सूर्य आ गया ना, वहां से टेंथ ही देखना आपको, हाँ टेंथ वहीं से देखना है जहां पे कोई ग्रह ना हो, उस केस में देखना है। ओके तो आपका पहला ग्रह सूर्य आ गया, यानी सूर्य की तरह अगर आप काम करती हैं, सूर्य से रिलेटेड आप काम करती हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, ये इसके अंदर आपका ये ग्रह सूर्य बताता है। दूसरा चीज जो आपका काम बताता है, दूसरा ग्रह वो होता है जो सबसे ज्यादा बलशाली होता है कुंडली के अंदर जी। सबसे ज्यादा बलशाली कौन सा है? वीनस दिख रहा है, वीनस, ठीक है तो सेकंड ग्रह आपका आता है वीनस, सन और वीनस, यानी वीनस के अनुसार भी आप काम कर सकती हैं, आपको फायदा मिलेगा, जो भी वीनस से रिलेटेड काम है आपके, चाहे वो रिटेल के काम हो, चाहे लग्जरी गारमेंट से काम हो, चाहे किसी चीज के भी काम जो वीनस से होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के काम हो या ये सारे काम जो वीनस, ज्वेलरी भी तो वीनस में आएगा ना, हाँ वो भी उसमें आएगा, जेमस्टोन ज्वेलरी वो सब, ज्वेलरी तो सोना उसमें आता है सूर्य के अंदर। टीचिंग नहीं आएगा ना इसमें? टीचिंग रिलेटेड, टीचिंग आ सकता है क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों आचार्य है ना, टीचिंग भी आएगा इसके अंदर, गुरु शुक्र दोनों ज्ञान के कारक हैं, टीचिंग बिल्कुल आएगा इसके अंदर, एकदम आएगा 100%। सर एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन इंडस्ट्री विल वर्क, हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शुक्र से रिलेटेड एजुकेशन में बिल्कुल जा सकता है आदमी, शुक्र से ज्ञान प्राप्त होता है, शुक्र का कारक भी है ज्ञान, और गुरु उसको देख रहा है सर,
गुरु देख भी रहा है, फिफ्थ में बैठा हुआ गुरु उधर देखेगा, देख भी रहा है और शुक्र से आपका, हाँ शुक्र आपका मतलब लग्नेश है, लग्नेश है इनका महादशा तो अभी सर गुरु का चल रहा है, इसलिए तो उनको टीचिंग की मतलब वो बार बार घूम फिर के वो टीचिंग पे आते हैं, मेरे से बात ना टीचिंग की मेरे साथ बात हुई तब भी वो टीचिंग का ही बोल रहे थे। सर जब से मेरी इसकी दशा शुरू हुई ना जुपिटर की, ऑल ऑफ सडन काम मैं रिक्रूटमेंट का ही करती हूँ लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गई हूँ, और अभी मैं जो बिजनेस भी सोच रही हूँ वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड है। देखिए मैं आपको वही तीन ग्रह बता रहा था जो अभी मैंने दो ग्रह आपको बताए ना, पहला ग्रह तो निकालना वो बता दिया, दूसरा ग्रह बताया जो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह, मतलब शॉर्टबल में जो सबसे बलशाली वो हमको देखने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उसका प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी कोई मतलब नहीं है। और तीसरा ग्रह जो होता है, जो थर्ड ग्रह आपके जीवन पे प्रभाव डालता है, जिसकी एग्जिस्टिंग टाइम में दशा होती है, अगर वो ग्रह भी आपका थोड़ा अच्छा है तो वो भी आपको अपनी ओर खींच लेता है। जैसे बुध की दशा किसी की आ जाए तो बुध में आदमी पढ़ाई करना शुरू कर देता है, गुरु की दशा किसी की आ जाए तो वो हमेशा चाहेगा कि जैसे टीचिंग में जाए या ज्ञान अर्जित करे, इस तरह की चीजें करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो मेरा सर ये अभी मेरी बुध की दशा चल रही है इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई में आया, पढ़ाई में आप मशगूल हो गए हैं बहुत। ओके तो ये फर्क पड़ता है। तो तीन ग्रह होते हैं, दो ग्रह तो मेनली ऐसे हैं जिनके अनुसार अगर आप जॉब करें तो बेस्ट होता है, तीसरा ग्रह ऐसा होता है जो आपको अपनी ओर खींच लेता है, एग्जिस्टिंग दशा जिस चीज की होती है वो खींच लेती है। अब जैसे क्या हुआ, सपोज कीजिए कि इसमें मैं आपको, तो सर इसमें जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे इनका आकांक्षा जी का हम देख रहे हैं तो गुरु की दशा चल रही है और शुक्र उनका सेकंड प्लेनेट हो गया राइट, तो वो मान लो कि अब जैसे ये इनका तो अलग इश्यू है लेकिन अब सूर्य है तो तीनों को कंबाइन करेंगे, जैसे गवर्नमेंट टीचिंग जॉब जो है गवर्नमेंट उसमें या गवर्नमेंट भी शो करता है तो क्योंकि सूर्य उनका मेन है और वहां पे ये तो या गवर्नमेंट वो जो टीचिंग का जो जैसे गवर्नमेंट ऐसे वो देते हैं उन किसी को ऐसे कि भाई आप ये जगह पे आप संभालो ऐसा कुछ कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना उनके लिए। हाँ, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एकदम, गवर्नमेंट टीचिंग भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है कि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य इनका अच्छा है, सूर्य में कोई बुराई नहीं है इनकी, केंद्र में बैठा है, दिग्बली होके बैठा है। या फिर सर फादर का सपोज फादर के साथ कनेक्ट होके क्योंकि सूर्य फादर को भी तो रिप्रेजेंट करेगा ना। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ कनेक्ट होकर काम कैसे करा जाता है वो आगे। सर जैसे जैसे सर यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है राइट, हाँ तो अगर उससे रिलेटेड भी कुछ काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड हुआ, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड हुआ। और क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, सारी गवर्नमेंट ही होती है वो सब, जी जी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट ही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली। सर इनका जो सूर्य है वो नवांस में जाके 12th में गया हुआ है तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, अच्छा लेंगे या वो बाहर? अब देखिए वो एक मिनट सर सॉरी हाँ, लेकिन अब देखिए वो वहां पे कर रही है, बाहर है वो, बाहर है इंडिया से बाहर है और वहां पे करेंगे तो फॉरेन हो गया। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मतलब यूनिवर्सिटी बाहर की है। हाँ तो फिर हो सकता है ना वैसा। और दूसरा देखिए आप वो ट्वेल्थ कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो वो सूर्य जो है वो मंगल के साथ है, उनके जन्म जो है उसमें, और मंगल उनका 12th लॉर्ड है। आपने पहले आपने आकांक्षा क्या किया था 12th के बाद? सर 12th के बाद तो मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीएससी किया था। अच्छा बीएससी किया था। और बीएससी के बाद मैंने जो है फिर मास्टर्स के एमबीए किया। आपका 12th जो खत्म हुआ होगा मतलब जब आप करीब 18 इयर्स की रही होंगी है ना? जी सर 2000 में खत्म हुआ है मेरा 12th। 2000 में खत्म हुआ है, एक सेकंड 2000 में दशा देखते हैं आपकी। सर आप फर्स्ट जॉब कैसे वो देख रहे हैं? नहीं मैं कुछ और चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। सर मेरी तो 12th के बाद पढ़ाई ही बेकार हो गई, मतलब राहुल जी ने ऐसा प्रकोप डाला कि पढ़ाई में मन नहीं लगा मेरा। उस समय शायद राहु स्टार्ट हो गया था, कुछ तो था। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो लागू है तो मैं साइड लाइन कर दिया।
आपका राहु शुक्र को देख रहा है ना, बच गई मैं राहु में, राहु की दशा थी फिर भी इंटर अच्छे से पास कर गई। नहीं मतलब वैसे राहु शुक्र को देख रहा है आप, देखिए जी जी आपका आपका जो लग्नेश है वो राहु केतु एक्सेस में है। हाँ राहु केतु एक्सेस में लग्नेश देखिए। आपकी बीएससी कब हुई आर्षा? सर बीएससी मैंने की 2005 में फिनिश की है, 2005 मैंने 2 साल का गैप लिया था। अच्छा जी, अब शनि की दशा आ गई थी आपकी जी, राहु में शनि, राहु में शनि, और बीएससी में काफी मेहनत हुई है सर। तो 3-11 है ना। अच्छा ठीक है, आपको पहला जॉब वगैरह भी बताता हूँ मैं, पहला जॉब का भी बताने वाला था ना, तो मैं उसी के बारे में बताने वाला था, तो इसलिए मैं देख रहा था। ठीक है मैं समझ गया। अब हम लोग ये यहाँ से समझे कि 3 ग्रह हम हमारे कैसे निकलते हैं, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह और तीसरा ग्रह तो होता है दशा वाला, जिसकी दशा चल रही है वो भी आपको अपनी तरफ खींच लेता है, इतना ध्यान रखना है। बाकी दो ग्रह तो आपको हमारे पास जब वो कोई पूछने आता है तब हमको ये देखना है कि हाँ अब कोई आज जैसे किसी के फादर या मदर हमको पूछते तो हमको देखना है कि वो ग्रेजुएशन उसका कब खत्म होने वाला है, उस टाइम पे कौन सी ग्रह की दशा चलने वाली है, वैसा देखना पड़ेगा हमको दशा मतलब। हाँ देखिए उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली होता क्या है कि आप जैसे आपका जैसे 12th है, 12th के बाद जब 12th जब 18 साल का बच्चा होता है, नॉर्मली 18 साल के बच्चे की उम्र में अगर उसको दशा मिलती है किसी ऐसे ग्रह की जो क्रूर ग्रह है तो वो नॉर्मली बच्चा टेक्निकल लाइन में जाता है, क्योंकि वो क्रूर ग्रह की दशा बच्चे को टेक्निकल लाइन में खींचना चाहती है। 100% नहीं होता, क्योंकि 100% इसलिए नहीं होता कि ये डिपेंड करता है अनुवांशिक चीजों के ऊपर कि घर में लोग कैसे हैं, घर में अगर लोग डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, फिर भी सर वो टेक्निकली हुआ ना, फिर भी लेकिन वो सर्जरी में भेज देंगे उसे, टेक्निकल साइड भेज देंगे, वो टेक्निकली हुआ मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों को टेक्निकल ही, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपका अब वो मेडिकल में टेक्निकल आ जाएगा कि भाई सर्जरी में चला गया वो, अगर खाली मेडिसिन में है तो ठीक है गुरु से देख लिया आपने या चंद्र से देख लिया, सर्जरी में चला गया तो आपने फिर मंगल आ गया आपका टेक्निकल आ गया उसके अंदर। तो कहने का यह है कि 18 साल की उम्र में अगर आपकी दशा नॉन टेक्निकल ग्रह की होती है तो आप नॉर्मली नॉन टेक्निकल लाइन में जाते हो, और टेक्निकल ग्रह की होती है तो आप नॉर्मली टेक्निकल लाइन में ही जाते हो। सर जैसे 12th के बाद जैसे मेरे राहु की दशा आई, हाँ तो राहु टेक्निकल लाइन है ना आपकी, टेक्निकल लाइन मेडिकल की तैयारी कर रही थी जिसमें नहीं हुआ। हाँ क्योंकि वही घर का माहौल मेडिकल था तो मेडिकल की तैयारी कर रही थी उसमें नहीं हुआ मेरा, और एक जगह जैसे मेरा एक यूनिवर्सिटी में काफी अच्छी रैंक आई थी और मुझे बायो क्या था बायोकेमिस्ट्री हाँ तो वो सर माइक्रोबायोलॉजी वैसे मेडिकल रिलेटेड ही हुआ, पैरामेडिकल हुआ ना। हाँ वो मुझे मिल रहा था बायो, तो वो भी मैंने छोड़ दिया, वो मैंने लिया ही नहीं। अच्छा हाँ, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर सीधे MBA, पर मतलब मेरा जो दशा स्टार्ट हुई थी ना उसमें मैं बता रही हूँ पढ़ाई, तो आप ऐसा समझो कि मेरा मुद्दा एक ही होता था बस घर से भाग के नौकरी करनी है, लेकिन आपने बीएससी किस में किया? आपने बीएससी मेजर कौन सा लिया था? आई थिंक वो था क्या बोलते हैं बॉटनी केमिस्ट्री बॉटनी केमिस्ट्री ना, मतलब केमिकल और उसके साथ रिलेटेड। ओके चलिए ठीक है, तो अब आता है ये तो हमारा ये वाला हो गया जो हमने बताया कि कैरियर का चुनाव कैसे करें, ये बताया। अब इसके पीछे जो स्लाइड रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूं, अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं कि पहला जॉब कब लगता है इंसान का, कोई बताएगा जरा? हाँ जी पहला जॉब कब लगता है? यस सर,
देखिए जब पहला जॉब जब इंसान को मिलता है तो नॉर्मली आप ये लगाएंगे कि दशम त्रिकोण यानी दसवें भाव का जो त्रिकोण होता है, दसवें भाव का त्रिकोण कौन सा हुआ? दूसरा छठा, दूसरा छठा और दसवां, है ना जी, दो छह दस, दसवें भाव का त्रिकोण हुआ। इसमें बैठे ग्रहों की और या तो ग्रहों की दशा भाव वाला, हाँ, जो पहला जॉब मिलता है इंसान को दशम त्रिकोण यानी दसवें भाव का जो त्रिकोण होता है, ये वाला भाव हुआ, फिर यहां से पांचवा, एक दो तीन चार पांच, ये वाला भाव यानी दूसरा भाव, फिर यहां से नौवा, तीन चार पांच छ सात आठ, यहां से नौवा, दसवें से नौवा, सात आठ नौ, छठा भाव, ठीक है। तो दसवें से नौवा छठा भाव और दसवें से पांचवा दूसरा भाव और दसवां भाव, यानी इनमें बैठे ग्रह की या इनको देखने वाले ग्रह की या इनके स्वामी की दशा हो तो पहला जॉब मिलता है इंसान। अच्छा, अब आकाशीय कुंडली में चेक करते हैं एक बार, जरा कब मिला जॉब इसको या अलग किसी और ग्रह की दशा में जॉब मिला, पहला जॉब कब मिला तुम्हें आकाशीय? 2007 में MBA पास करते ही मिला मुझे। 2007 जी, बुध की अंक, बुध की ना, ये देखिए राहु में बुध चल रहा था, बुध की अंतर दिशा में, मतलब वे आपका बुध दशम भाव में भी बैठा हुआ है जी, दशम त्रिकोण का स्वामी भी है जी, आपका, ठीक है ना जी। तो बुध की दशा में आपको जॉब मिलना ही था जी, तो पहला जॉब जो मिलेगा वो अक्सर दशम त्रिकोण यानी दसवें भाव में बैठे हुए ग्रह, दसवें भाव के स्वामी की दशा या दूसरे भाव में बैठे ग्रह या छठे भाव में बैठे ग्रह, इनकी दशा में पहला जॉब मिलता है। लेकिन एक चीज होती है इसके अंदर कि अगर दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में जॉब मिले, यानी इस भाव की बैठे हुए ग्रह की दशा में या इस भाव के स्वामी की दशा में जॉब मिले, तो वो आदमी जल्दी चेंज कर लेता है, वो आदमी उसको परमानेंटली नहीं रख पाता। एग्जैक्टली सर, एकदम सही, हाँ, उसको जल्दी चेंज कर लेता है क्योंकि वो थोड़ा सा उतना हाई लेवल या उतना अच्छे लेवल का नहीं होता पहला वो वाला जॉब। अगर वो जॉब आपको इस वाले लेवल का मिलता यानी दसवें से आपको यहाँ का मिलता दशम त्रिकोण का जी, तो आप कह सकते थे कि आपको एक अच्छा जॉब मिलता या आपका जो ये यहाँ से तब आपको जॉब अच्छा मिलता। तो ये एक चीज होती है इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना ध्यान रखिए कि पहला जॉब जो मिलेगा आपको वो दशम त्रिकोण से मिलेगा। मेरे केस में सर पहला जॉब तो सर छठे भाव के मतलब ग्रह के अंतर्गत मिला था और वो जॉब सर 9 महीने में ही छूट गई मेरी, तो वो कैसे? छठा भाव देखिए ना, आपका वही बता रहा हूँ मैं आपको, आपका क्या मैं आपको थोड़ा सा वो बता गया, ये आकांक्षा तुम्हारा जॉब जो तुम्हारा तुमने पहला जॉब लिया था बुध की दशा में लिया जी सर, बिल्कुल ठीक है, दसवें भाव में बैठे ग्रह की दशा में तुमने पहला जॉब लिया, ठीक है सर। एक मिनट, अगर राहु और बुध है तो 2008 है ना, 2008 से बुध की दशा शुरू होगी राइट, बुध की अंतर दशा, तो एक्चुअली शनि में हुआ सर, राहु शनि, शनि में हुआ, हाँ क्योंकि राहु की महादशा है, बुध की अंतर दशा है, नहीं बुध की अंतर दशा कैसे होगी, वो 2008 में स्टार्ट होगी, नहीं नहीं राहु की शनि में हुआ सर, शनि में हुआ। आपको जॉब मिला कब वैसे एकदम? शनि में मिला, 2007 तो राहु में शनि, उस समय शनि राहु में देख लेते हैं ना, हाँ उसमें राहु में शनि चल रहा, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। ये बात अलग है कि शनि बुध की राशि में है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, छठा भाव जो होता है वो संघर्ष का भाव होता है, तो दूसरे भाव में बैठा हुआ जॉब जो होता है उसका जॉब अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको फलना चाहिए, और छठे भाव में जो बैठा हुआ जॉब का फल मिलता है वो आपको संघर्ष दिखाता है। देखिए इसके अंदर क्या नाम बताया आपने, 10 फरवरी 2007 है सर, February 2007 मतलब शनि शनि है, हाँ राहु शनि मंगल में बला सकते हैं, हाँ तो ये देखिए ना आप, मंगल बैठा हुआ है शनि की राशि में,
मंगल शनि और चंद्रमा के बाद मंगल आया ना, तो आप देखिए मंगल दशा है, टेंथ टेंथ के अंदर मंगल और बुध शनि की राशि में है। ये है आपका राहु में शनि, शनि में मंगल, अंतरदशा है मंगल, प्रत्यंतर दशा है मंगल। एक चीज तो क्लियर हो गया कि त्रिकोण में मिला। हाँ वो थी, बस मेन वही है ना, त्रिकोण में मिला। तो मिल गया ना, शनि मिला ही, अब शनि के अंतर्गत मंगल भी वही बैठा है तो त्रिकोण का ही हो गया, वो त्रिकोण में बैठा है पूरा। हाँ बस यहाँ पर त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं और त्रिकोण के जो स्वामी हैं उनके ग्रहों की अंतर्गत, त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं, त्रिकोण के ग्रह या त्रिकोण के ग्रहों को जो देख रहे हैं, पहले तो देखना है सबसे बैठे ग्रह, फिर देखना है उनको कौन से ग्रह देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड फिर उनके स्वामी अगर कोई नहीं बैठा है, ठीक है, उनकी दशा में आपको जॉब मिलता है। और अगर दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की, यानी ये दशम त्रिकोण का जो ये दूसरा भाव है, इसमें बैठे हुए ग्रह की दशा में जॉब मिलता है या इसके स्वामी की दशा में जॉब मिलता है तो ये जॉब फलदायी होता है, क्योंकि ये धन कारक ग्रह है। और ये छठे भाव में बैठे ग्रह की जब दशा में जॉब मिलता है तो ये ग्रह संघर्ष कराने वाला होता है। ये संघर्ष जब कम हो जाता है, जब इस छठे भाव का स्वामी लग्न का मित्र हो तो संघर्ष कम हो जाता है। तो यहाँ छठे भाव का स्वामी तो खुद लग्न ही है, लग्नेश ही है, यहाँ लग्न लग्नेश है, तो यहाँ थोड़ा संघर्ष कम रहेगा अगर इनको छठे भाव में, हाँ पर इनको मिला है बुध की दशा में ना, यहाँ पे ये मंगल की दशा में, मंगल की दशा में, अंतर दशा में, हाँ मंगल की प्रत्यंतर दशा थी, ऐसे मिला है सर इनको राहु में शनि में, राहु के राहु में शनि में मिला इनको। हाँ सर, शनि जो है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है। नहीं शनि को आप कैसे करो ना, एक सेकंड आप शनि को भी चेक करना चाहते हो, अंतर दशा को, त्रिकोण का लॉर्ड हो गया ना सर, शनि तो खुद ही त्रिकोण का लॉर्ड हो गया, उसमें ही जॉब मिला, फर्स्ट त्रिकोण तो वही हो गया ना, वह त्रिकोण तो वही हो गया ना आपका, तो मिल गया ना सर, और बाकी मंगल भी वही बैठा हुआ है। लेकिन सर आप शनि आप देखिए पूरा सर कि पहले वो जहाँ बैठे हैं ग्रह उसके हिसाब से देखना है। देखिए राहु का तो ऐसे लेना नहीं है अपने को, नहीं लेकिन आप देखिए 11 ऐसे नहीं, सर ने क्या बोला टेंथ में जो ये जो तीन त्रिकोण त्रिकोण जो बना उसमें से जो बैठे हुए ग्रह है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलेगी, उसमें जो बैठा तो मिल ही रही है ना, मंगल आ ही रहा है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको बता उसको थोड़ा ये समझ लीजिए क्या क्या है। दशम भाव के जो जॉब मिलते हैं वो कब कब मिलते हैं, पहला जॉब जो मिलता है वो पहला जॉब मिलता है आपका दशम भाव में बैठे हुए ग्रह, दशम त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह वो देखना है आपको, नहीं बैठे हैं तो उन पे कोई दृष्टि डाल रहा है तो वो ग्रह आपको देखने हैं, तीसरा कोई नहीं बैठे हैं तो स्वामी देखना है, चौथा आपने कारक देखना। तो मतलब अभी तो बैठा है इसलिए हम शनि स्वामी तो नहीं देखेंगे ना, जो बैठा है फिर स्वामी देखेंगे, फिर तो वही देख लेंगे, फिर कर्म का कारक जो होता है उसका जॉब में मिलता है। जैसे शादी है, शुक्र आपका वो वाला भाव एक्टिव कर रहा हो या ना कर रहा हो आपका शादी हो जाएगी, शुक्र आपकी शादी करा देगा, ऐसी शनि जो है दशम भाव का कारक होता है, चर कारक होता है, कर्म का प्रोफेशन का। यहाँ कौन से केस को कंसीडर करेंगे, यहाँ जो बैठे वाले मंगल को कंसीडर कर रहे हैं अपन, बैठे वाले मंगल को सर, लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए मंगल की प्रत्यंतर दशा है, मान लीजिए उसी में आपकी जॉब लगी तो टेंथ हाउस तो ऐसे ही एक्टिवेट हो गया क्योंकि मंगल वहां बैठा हुआ है, वो अगर मंगल एक्टिवेटेड है, टेंथ हाउस एक्टिवेटेड है तो बुध भी एक्टिवेटेड हो गया क्योंकि वो भी वहां बैठा है। लेकिन बुध की दशा नहीं है ना तो बुध एक्टिवेट नहीं हुआ ना। अच्छा मंगल की दशा है तो मंगल एक्टिवेट है ना खाली, मंगल के फल तो मंगल नहीं देने हैं ना दसवें भाव के, और किसी ने फल तो नहीं देने ना बुध ने देने ना सूर्य ने देने हैं। okay. मंगल की दशा में तो मंगल ही देगा जी, ठीक है सर। इनका कि मतलब अभी ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इनका सर चलित में ये मंगल और सूर्य दोनों ही 11th में चले जा रहे हैं, चलित मत देखिए, चेंज कर रहे सर, चलित मत देखिए, चलित मत देखिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं आपको आप चाहो तो एक बार नोट कर लो, शायद मैंने इसमें लिख भी रखे होंगे। सर एक चीज और मेरे को पूछनी है, जब आप फर्स्ट जॉब की बात करते हो, जिस दिन पहली जॉब स्टार्ट हुई उसे बोलेंगे फर्स्ट या जब ऑफर लेटर मिला? हाँ जब ऑफर लेटर मिला तभी ले लीजिए फर्स्ट जॉब। एक्टिवेशन तो जब आपने उसके लिए प्रोसेस शुरू किया तब से ही हो गया ना, ऑफर लेटर मिल जाए वो जब थोड़ा देख लीजिए कि ऑफर लेटर का तो ये होता है ना, जैसे
हम लोग बच्चा संतान पैदा होने का जब देखते हैं कि जब कंसीव हो जाए तब उसको लेते हैं कि भाई हाँ एक चीज से कि हम मानते हैं कि इस कंसीव होने का समय जो किसी को समय देते हैं तो हम कंसीव होने का समय देते हैं कि भाई आपके संतान हो जाएगी यानी इस समय तक कंसीव हो जाएगा। तो आप फर्स्ट जॉब को मान लीजिए कि जब आपका अपॉइंटमेंट ऑफर आपको मिल गया तो इट इज यू कैन से कि आपको एक फर्स्ट जॉब मिल गया। ज्वाइनिंग तो चलो आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो भी एक तरीका है करने का। देखिए एक चीज मैं आपको बता जाऊं बार बार कि शनि कर्म का कारक है। शनि जो है आपका बुध कारक होता है 10वें भाव का, शनि प्रोफेशनल कारक भी होता है तो शनि को भी देखा जाता है। तो कारक की दशा में आपको हमेशा जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पे कारक की अंतरदशा थी, राहु में शनि की अंतरदशा थी इसलिए आपको जॉब मिला उसकी अंतरदशा में। अब जैसे अंकुर की कुंडली देखे, अंकुरी कुंडली यहाँ पे लगी हुई है, हटवा दिया अंकुर में शायद आपने लगा, आपने मतलब मैं लगाने की कोशिश करी थी ये म्यूट हो गया था ना, वो थे नहीं। हाँ अंकुर बोलो सर, वो सेव होगा आपके पास अंकुर 3737 1989 है सर। टाइम है सर 7:05 मॉर्निंग का। अमरकंटक ये कहा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश जी अमरकंटक AMARKNTA बारहवें हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है, खजाना लेके बैठे हुए है 12th में। सेव कर लीजिएगा सर कभी कभी, सेव कर लूंगा ना, दोनों कुंडली सेव कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अंकुर की देखिए कुंडली है, अंकुर की कुंडली में भी 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। यस सर, 10वें तो कोई नहीं है। तो पहला ग्रह कौन सा हुआ आपका जो डिसाइड करेगा जॉब आपका? सूर्य। अब तो सर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ना सर, लग्न लग्नेश्वर कारक, लग्न चंद्रमा और सूर्य का। नहीं नहीं, फोर्थ है तो फोर्थ में आपका सूर्य हुआ, लगन का स्वामी सूर्य। लेकिन फर्स्ट देखने के लिए तो हमको पहले कौन बैठा है, वो नहीं है, नहीं है तो फिर हम आपको वो लेना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है ना, लगन और लगने आपका, लगन और लगने जो लग्नेश आपका है वो चंद्रमा ऑलरेडी है। हाँ। तो सूर्य चंद्रमा में से सूर्य बली है आपका 1.05। हाँ, तो सूर्य से दशम स्थान आप लगा दीजिए। सूर्य से 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया। ठीक है, तो ये वीनस आया। अब वीनस नवांश में कहाँ गया? जुपिटर आया, वो वीनस में बैठा है। हाँ, जुपिटर आया, तो इसका मतलब वीनस की तरह आपका जॉब होगा। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हो। हाँ। अच्छा, और इसमें जो दूसरा आपके लिए जो ग्रह निकलेगा, दूसरा ग्रह जो मैं आपको बोल रहा था, अच्छा जैसे आपका पहला जॉब, आपने पहला जॉब कब ज्वाइन किया? 13 में सर। 13 में मतलब आपको देखना है 5 और 9 नंबर वाला शनि या केतु। केतु देखने का नहीं, मतलब शनि यहाँ पे स्टार्ट किया शनि की दिशा में। शनि, हाँ तो शनि का कारक है और 6वें भाव में बैठा हुआ है आपका। जुलाई में ना। हाँ, 6वें भाव में बैठा हुआ है तो इसने आपको संघर्ष भी दिया होगा, काफी संघर्ष। जॉब छूट गई 9 मंथ के बाद जॉब छूट गई। हाँ। पर अभी भी कर रहे हैं संघर्ष। बिल्कुल बिल्कुल, ये शनि की दशा में आपका हुआ और वो भी दशम त्रिकोण के बैठे ग्रह में हुआ, दशम त्रिकोण में भी 6वें भाव में बैठे ग्रह की उसमें हुआ। तो ये आपका, और ये शनि जो है ये लग्नेश का मित्र भी नहीं है इसलिए संघर्ष कम नहीं हुआ। ये संघर्ष कम हो जाता अगर शनि चंद्रमा का मित्र होता, सम है तो इसलिए वो वाली बात नहीं है। और रिसेंटली अच्छा दूसरा ग्रह कौन सा आपका बनता है? दूसरा ग्रह बनता है आपका बुध, क्योंकि बुध आपका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जी कुंडली में। तो आपके दो ग्रह निकलते हैं शुक्र और बुध। शुक्र और बुध, तो सर आपने बुध का जो बताया था कि वो भाव भाव शनि और बुध है ना सर, तो शनि का तो हो गया ना, सर्वर में शनि और बुध है। शनि और बुध, लेकिन बुध सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, सबसे ज्यादा बलशाली है ना, 1.42 सबसे ज्यादा।
तो बुध आ गया सेकंड ग्रह, पहला ग्रह तो हमारा निकल गया शुक्र निकल गया, दूसरा ग्रह हमारा बुध आ गया। तो सर बुध मतलब कम्युनिकेशन वगैरह होगा ना, कम्युनिकेशन है या अकाउंटेंसी है या कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंस का कुछ काम है। तो आज वो जो जो जेम्सटोन का वो सब जो कर रहा है मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो भी तो या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वो सब वो काउंटर उनका है, तो वो भी तो उसी के रिलेटेड हुआ ना, बुध का आएगा। तो शुक्र और बुध दोनों ही मैच कर रहे हैं इनके। ओके, तो हमको जो देखना है, मैं आपको एक सेकंड चीज बता देता हूँ, आप ये चीज नोट कर लीजिए जरा सा, सब लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, वो चीज में लिखा हुआ नहीं है। मैं एक बार D10 चार्ट भी लगा देता हूँ यहाँ पे, D9 D7 की जगह। जॉब कब कब मिलती है? जॉब मिलने का पहले जॉब को तो मैंने आपको बता दिया कि दशम भाव में बैठे ग्रह, दशम भाव को देखने वाले ग्रह, दशम भाव का स्वामी, इनकी दशा हो, कारक की दशा हो, या D9 में दशम भाव के स्वामी की दशा हो, D9 का दशम भाव कौन सा बनता है, ये बनता है बुध, इसकी दशा हो, या कारक से दशम की दशा हो, कारक कौन है, शनि, शनि से दशम की दशा वो भी ले सकते हैं, शनि से दशम काउंट कीजिए, शनि से 7, 8, 9, 10 फिर ये भी आ गया। सर वो D9 में लेना है क्या, एक की D1 में लेने का, शनि से दशम D10 में भी D9 दोनों में लेना है। D1 में आपको जो लेना है वो लेना है, आपको D1 में लेना है कि दसवें भाव में बैठा हुआ ग्रह दशम त्रिकोण में, आपने ले लिया सारा पहले तो वो तो दिख दिया आपने कि दशम त्रिकोण का ग्रह ले लिया आपने सारे, दशम त्रिकोण में बैठे ग्रह उनको देखने वाले ग्रह उनके स्वामी वो आपने ले लिए, दशम में बैठे हुए ग्रह आपने ले लिए, दशम भाव का कारक आपने जो शनि है उसको ले लिया आपने, है ना, और फिर आपने नवांश में गए, नवांश में देखा आपने दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है आपका, दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका आप वो कर सकते हैं, अगर वहां कोई ग्रह नहीं बैठा तो उसका स्वामी है उसके दशा में आपको जॉब मिल जाएगा नवांश के अंदर। फिर देखेंगे नवांश में शनि, शनि से दशम देखेंगे आप कि शनि से दसवां भाव कौन सा है, वहां पे कोई ग्रह बैठा है क्या, अगर वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दशा में आप जॉब कर सकते हैं, नहीं तो आप शनि की दशा तो आपकी कारक की दशा है ही है। इसी प्रकार D10 में आप देखेंगे, D10 में 10th भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा देखेंगे आप कि 10th भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, यहाँ कोई नहीं है तो उसके स्वामी की दशा में जॉब कर सकते हैं, यानी गुरु का आप जॉब कर सकते हैं। इधर यहाँ भी शनि की दशा हो जाती है, फिर शनि से दशम यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 7, 8, 9, 10 शनि दशम शनि है। तो ये कहने का मतलब यह है कि इन सब दशाओं में जॉब मिल सकता है इंसान को, D10 चार्ट और ये D9 चार्ट और ये चार्ट। अच्छा, अब इसमें देखना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि एक तो लग्न लग्नेश, लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस मैंने आपको बताया था कि यहाँ जरूर चेक कर लें कि D1 में लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस क्या है। इनका लग्नेश है चंद्र, कर्मेश बनता है इनका मंगल, चंद्र मंगल का एक्सिस क्या है इनका, दो बार है मंगल दो में है तो इसलिए इतना बुरा नहीं है, जो अंतरदशा नाथ है ना चंद्र मंगल में, मतलब मंगल दूसरे में गया हुआ है, तीसरे से चौथा वो गया ना, बारहवें से वो, तो जब वो दशा चलेगी तब ना, हाँ तब वो दशा चलेगी, तब उल्टी चलेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, फिर प्रॉब्लम होगी, मंगल में चंद्र की होगी तो प्रॉब्लम होगी। देखे तो ये खराब नहीं है ना सर, एक्सिस खराब नहीं है वो टाला। अच्छा अब 6-8 एक्सिस नवांश में देखिए एक्सिस क्या है इसका, हमारा चंद्र मंगल का 4-10 यहाँ पर है, 4-10 का है ये एक्सिस, अच्छा है दशांश में देखिए, दशांश में लग्न का और इसी का सर कर्म का 4-10 का है, मंगल और चंद्रमा का 4-10 का है, 4-10 का है, तो आपका ये एक्सिस बहुत बढ़िया है, एक्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं लग्नेश और कर्मेश का, तो मेरा कर्म समझेंगे सर बढ़िया रहेगा क्या, हाँ कर्म अच्छा रहेगा, लग्नेश और कर्मेश का एक्सिस अच्छा है और D9 के अंदर भी बहुत अच्छा है, D10 में भी बहुत अच्छा है, 4-10 एक्सिस अच्छा होता है बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो मुझे स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलेगा ऐसा कुछ, हाँ हाँ समझ सकते हैं बिल्कुल, विद टाइम इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जन्मकालीन दशा देखो तुम्हारी कौन सी है, राहु में सूर्य में, राहु में शुक्र, जल में सूर्य, सर वही है राहु में शुक्र, आपका कौन सा एक्सिस था, 6-8 का ठीक है ना,
छियाठ का जो जन्मकालीन दशा का आपके एक्सिस बना हुआ है ना, वो एक्सिस आपको थोड़ा, जैसे मैंने अभी इसे पीछे बताया कि आपका ले रहा है, वो एक्सिस पकड़ ले रहा है आपको, वो कर्म भाव में भी आपके अनुकूल दशा भी चलती रहे। कर्म भाव का एक्सिस आपको खराब नहीं है, वो अच्छा एक्सिस है, कर्म में आप तरक्की करते रहेंगे, लेकिन आपको वो तरक्की ये चीज करने में थोड़ा सा रोड़ा अटकाएगा जो तरक्की आप कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जन्मकालीन दशा आपको थोड़ा सा स्ट्रगल को देगी, तो जन्मकालीन दशा भी देखना बहुत जरूरी है। किसी भी कुंडली में कोई भी चीज देखो तो जन्मकालीन दशा जरूर देखो उसकी, उसी से तो देखना जरूरी है। ये हो गया, तो अब जॉब देखते हैं। तो जॉब देखने का तरीका हमने बताया कि जॉब देखने के लिए दसवां भाव देखें, दसवें भाव में बैठा ग्रह देखें, दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तीन बैठे हैं तो तीनों में से बलशाली कौन है वो देखें, कोई नहीं बैठा है तो सूर्य चंद्र लग्नेश में तीनों में से कौन बलशाली है उससे दसवां भाव देखें, वो किस नवांश में गया है उसको देखें। इस तरीके से ग्रह डिसाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे ज्यादा बली ग्रह कौन सा है वो डिसाइड करते हैं। सबसे ज्यादा बली ग्रह को डिसाइड कर लेते हैं तो उसके हिसाब से जॉब आपका हो सकता है, सबसे ज्यादा बली ग्रह के हिसाब से आपका जॉब हो सकता है, वो आपने नोट कर लिया। अब आपका ये तो हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि बुध का महादशा मेरा चालू होगा तो बुध के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्या, जैसे कि सर मेरा 2030 के बाद बुध आ जाएगा, बुध का महादशा आ जाएगा, बुध आपका 1.42 वाला है, बुध आपका सर्टेनली जॉब चेंज कराए। जी वही मैं सर, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब के हिसाब से हो जाएगा सर। लेकिन सर, लेकिन उनका बुध देखिए आप, ऐसा हो सकता है कि गेम्स है। गेम्स छोड़ के वो टोटली एस्ट्रोलॉजी में घुस जाएं बुध की दशा में। नहीं नहीं, आप ये भूल जाइए कि बुध तो 12वें भाव में बैठा है या कहां बैठा है या 0046 है, उससे कोई मतलब नहीं है। बुध जो है सबसे ज्यादा षटबली ग्रह है, षटबल में। ओके ओके, ये कर्म निर्धारण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, खाली आजीविका निर्णय के लिए। तो बुध इनको अपनी दशा की ओर खींच के लेके जाएगा, बुध की दशा इनको। लेकिन वो फल देखना है तो फिर तो आपको ध्यान रखेगा कि बुध अपना फल पूरा नहीं देगा 12वें भाव का। जो 12वें भाव का फल बुध ने देना था, व्यय कराना था या जो कुछ करानी थी इसने, वो पूरा नहीं दे पाएगा, तो वहाँ इतना बुरा असर नहीं है इसका 12वें भाव के ऊपर, बुध का असर। लेकिन तीसरे भाव के भी तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, तीसरे भाव को फर्क पड़ेगा, उसका फल भी वो पूरा नहीं दे पाएगा, तो मेहनत नहीं करवा दे, करने देगा, मेहनत नहीं करने देगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, वो चीज आपकी अलग है। लेकिन जॉब का आपको अलग है कि वो अपने साइड का जॉब आपको खींच के लेके जाएगा, वो खींच के लेके जाएगा। लेकिन सर, बुध की जो साइड की जॉब है तो वो तो कम्युनिकेशन या मार्केटिंग या मीडिया या वैसा हुआ ना। हाँ, उसमें बहुत जाएंगे, या अपना इस तरह की चीजों में घुस जाएंगे, फाइनेंस में घुस जाएंगे ज्यादा, थोड़ा इन चीजों में मार्केटिंग में चले जाएंगे बहुत। मार्केटिंग में तो खैर अभी भी है, ये सब ज्यादा हो जाएगा, कम्युनिकेशन मार्केटिंग ये सब चीजें बुध मतलब इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्रह निकालते हैं कि कैसे ग्रह हम निकालें। अब जैसे कलानी साहब का तो हमने निकाल लिया, आकांक्षा का भी मैं पहले कुंडली सेव कर लूं सब लोगों की ना, थोड़ा आप मेरा निकालिए सर। आपकी मेरे पास सेव है? हाँ है ना। पहले से संचित है आकांक्षा की, तो पहले संचित है, ठीक है। संचित है, यस। आपकी हमने दिसाई साहब के नाम से कर रखी है ना। श्यामल होगा सर, श्यामल नहीं देसा ही होगा, मेरे डी चला गया ना, अब तो प्लस पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे तभी आ जाएगा।
SH आपके बेटे की तो है मेरे पास, आपने मेरी सेव नहीं की होगी शायद, आपकी नहीं है, इसका ले लीजिए। हाँ एक कृपांश का ले लीजिए ना, चलेगा अपने का, हाँ अपने का समझना ही है ना। ये है कृपांश, अब इसमें देखिए आप, यहां पे चंद्रमा और शनि दो ग्रह बैठे हैं, दो बैठे तो सर षडबल में जो है वो लेने का, षडबल में जो बलि हो वो देखने का, तो शनि, शनि बलि है षडबल में, चंद्रमा भी बलि है, चंद्रमा भी इतना कोई 1.13 है, ज्यादा फर्क नहीं है, सूर्य बलि है ना सर, नहीं नहीं वो तो सबसे ज्यादा बलि है सूर्य, हाँ सबसे ज्यादा बलि है सूर्य, तो शनि के अनुसार अगर ये वो करता है और षडबल में सेकंड नंबर का बलि ग्रह भी शनि है इनका, तो इसका ग्रह शनि के अनुसार अगर ये कार्य करता है तो बहुत सक्सेसफुल रह सकता है। शनि के कार्य आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं कैसे वो होते? तो सर आप देने वाले हो ना, वो मैं आपको दे दूंगा सारा, जैसे एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर काम होता है, ऑयल इंडस्ट्रीज से काम होता है, ऑयल इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं शनि के अंदर जो तो, जाती है। लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ हाँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी उसका आता है शनि का, वो मैं आपको बताऊंगा ना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है शनि में, लेकिन उसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पर्टिकुलर वो है एक साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी सैटर्न, वो साइबर सिक्योरिटी जाएगा, वो उसी का कर रहा है अभी, साइबर सिक्योरिटी में जाएगा, शनि साइबर सिक्योरिटी में लेके जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जब होता है तो वो शुक्र लेके जाता है, उसका शुक्र लग्न में है, तो ये हमने डिसाइड यहाँ पे किया। अब इसकी जो पहली जॉब लगेगी ये कब कब इसकी कंप्लीट हो रही है, अभी तो खैर ये 12th वो कर रहा है ना, बीटेक कर रहा है ना, शायद बीटेक सेकंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर में आया वो, थर्ड ईयर में आया है, वही तो देख सर जैसे वो देखना है तो जो अभी है इसलिए मैंने इसका। अच्छा ये बीटेक कब कब ज्वाइन किया उसने? उसने बीटेक 2 साल पहले 2002 में वो दिया है, मतलब 2020-21 में ज्वाइन किया, ये थर्ड ईयर हाँ हाँ 19 तो सूर्य की दशा थी ना, तो टेक्निकल लाइन में गया वो, ठीक है, राहु राहु में सूर्य, हाँ तो टेक्निकल लाइन में गया, और सूर्य उसका 12th लॉर्ड है तो वो मतलब इससे जो ये पहाड़ का ये तो विदेश का जॉब तो उसका है ही है, इसको तो विदेश में सेटल होना ही होना है, सब कुछ यही, सारा धन से वहीं से मिलना है, सब कुछ विदेश से ही होना है इसे तो। आपका बेटे की कुंडली तो बहुत शानदार है देसाई साहब, अभी तो दिख नहीं रही है मेरे से, तो उसका 36 का आंकड़ा है, मतलब आपसे तो बेटे का रहता ही है थोड़ा सा, वो बाद में हो जाता है, शुरू शुरू में थोड़े दिन होता है, उसके बाद से बाद में हो जाता है, 6-8 का एक्सेस बन रहा है, जिस दिन वो फादर बनेगा उस दिन वो आपसे उसका तालमेल बैठने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना, उस टाइम तक मैं रहूं ना रहूं क्या पता। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि ये जो एज होती है ना, जब बच्चा बीटेक वगैरह में होता है तब थोड़ा सा उसको इतनी ज्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो क्योंकि फादर जो है थोड़ा सही चीज बताने की कोशिश करते हैं उसको, वो सोचता है कि मैं जो चीज जानता हूँ वो चीज सबसे बेस्ट है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, बच्चा अपने को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, तो वहां क्लैशेस हो जाती हैं आपस में। लेकिन जब बच्चा सर्विस में आ जाता है, बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वो फादर को मैक्सिमम याद करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ये आपको मैक्सिमम याद आपको करेगा, इसलिए आप बिल्कुल इस बात से बेफिक्र। लेकिन अब उसकी आप हमको फर्स्ट जॉब देखनी है तो कैसे देखें? अब फर्स्ट जॉब देखनी है तो 24 में उससे क्लियर होगा, कब वो क्लियर होगा उसका? हाँ 24 में उसका ये क्लियर होगा, लेकिन वो मास्टर्स करने जा रहा है, अब वहां पे वो जॉब करेगा वो अलग बात है, वो कनाडा जाएगा और साथ में जॉब करेगा वहां पे, तो उसको हम फर्स्ट जॉब गिन सकते हैं या नहीं? नहीं, पार्ट टाइम जॉब है ना वो, तो वो अलग चीज़ आएगी। वो मास्टर्स के बाद ही फर्स्ट जॉब उसकी आएगी। हाँ तो 24 के मतलब ये पाए 30 में 30, 24, 25, 26, 27 में आएगा ऑलमोस्ट। A1 कुंडली है दीक्षित साहब, A1 कुंडली है ये। और वो बिजनेस करना चाहता है, क्या करना चाहते हैं? बिजनेस, अपना बिजनेस का तो खैर हिस्सा है ही है।
कर सकता है, शनि का रोल है और शनि के सारे ग्रह उधर ही बैठे हैं सर, प्रकाशित भाव में बैठे हैं सर। हाँ सब प्रकाशित भाव में सब उधर है, सब उधर है, वो कोई दिक्कत नहीं है। धनेश और भाग्येश हाँ लग्न में तो मैं आपको अभी हम बताएंगे ना कि बिजनेस करेगा या कौन क्या करेगा वो हाँ। अभी जब दिखाएंगे आपको सब चीजें तो स्लाइड से मालूम चल जाएगा आपको हाँ। वो सब चीजें आगे स्लाइड में दे रखी हैं। लेकिन तो इसकी बताने की कोशिश अपने अपने फर्स्ट जॉब की कब हो सकती है वो देख रहे हैं। हाँ 27 में सी तब मैं जैसे मैं देख रही हूँ तो राहु में इसकी कहाँ गई वो दशा। देखिए ना गुरु में बुध में 27 में इसका जॉब हो सकता है पहला, जो गुरु में बुध दशम त्रिकोण है का स्वामी है, गुरु में बुध, लेकिन वहां पे सात शुक्र भी है और बुध भी। आपने मतलब टेंथ लॉर्ड को लिया बुध में, टेंथ लॉर्ड को ना मतलब टेंथ लॉर्ड हो या टेंथ हाँ। में बैठा ग्रह हो या टेंथ को देखने वाला ग्रह हो दशम त्रिकोण में ओके, तो वो वाले ग्रह आ जाते हैं ना सारे आपके। हाँ तो बुध गुरु में बुध, गुरु में बुध में आपको इनको इसको नौकरी मिल जाएगी, दशा भी उसकी एकदम हो जाएगी, मतलब करते ही अगर पीजी करेगा अपनी तो उसको नौकरी मिल जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां पे 2-12 का एक्सेस बनेगा ना, और लेकिन केतु में ये चेंज करेगा। अच्छा गुरु में केतु में ये चेंज करेगा मतलब 2 साल बाद। क्योंकि ऐसा होता है कि जो चेंज करता है आदमी वो हमेशा तीसरे भाव से और 8वें भाव से। तो सर वो तीसरा भाव मतलब लग्न से तीसरा देखने का चेंज का लगन या? से तीसरा 8वां ओके ओके, दशम से छठा और 11वां ओके। अब चेंज का आ जाते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये यहाँ तक पढ़ा, अब हम करते हैं कि जॉब चेंज करने का, कि जॉब चेंज कैसे करता है आदमी। सर इस पे जॉब पे जॉब पे कभी क्या होता है कि जो आदमी कुछ पढ़ा कुछ, जैसे आपने अपना ही खुद का बताया कि आपने पढ़ा अलग और जॉब अलग कर रहा है, तो वो मेन फैक्टर क्या है, वो दशा है मेन फैक्टर, जैसे आपका एचआर में चले गए आप कहाँ मैकेनिकल मतलब पूरा इंजीनियरिंग और टेक्निकल लाइन से आप दशा में गए। ऐसा ऐसा था ना सर, वो मैं बताऊंगा तो क्या होगा कि बचपन से जो माइंडसेट होगा ना वो हो सकता है कि मेरा इसको डील करता हो, लेकिन घर में उस वक्त क्या होता था जब हम लोग छोटे थे तो उन जमाने में थे 2 ही ब्रांच हुआ करती थी, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, घर वालों का और कोई होता नहीं था, घर वाले तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली अभी भी वैसा ही अभी भी, अब तो बहुत चेंज हो गया फिर भी, लेकिन फिर भी गुजरात में सर गुजरात में तो अभी भी वैसा ही है क्रेज है। हाँ, जब तो हमारे यहाँ तो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांच हम सोच सकते ही नहीं थे ना, हमें कोई पता था। हाँ मैंने वो सोचता है तो वो तो फिर उसको मतलब उसको कुछ आता ही नहीं है, उसको ये बोल देते थे कि ये सब कुछ आता ही नहीं है, अगर ये कुछ मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहा है कुछ कर रहा है। हाँ, तो, फिर वो बोलेगा वो टीचर बन जाएगा पंतु जी हाँ, की जॉब ले लेगा वो फालतू जॉब। आज की देश में वो टीचर की जॉब जो है बहुत शानदार है, आज की जेब सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि टैक्स भरना नहीं होता है। तो उस चक्कर में हम लोग अपना इंजीनियरिंग में निकल गए, अब निकल गए इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन कहीं वो माइंडसेट में वो चीज बैठी हुई थी कि लोगों का कैसे, लोगों की साइकोलॉजी देखो, कैसे लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी करो, वो सब चीजें बैठी हुई थी कहीं माइंड में, तो वो चीजें हमारी सारी एचआर में आई। जब एचआर में तो आदमी की साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है, वर्कर साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ता है, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं, उनकी पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं, कैसे हम प्रोडक्शन इंप्रूव करें, कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, वो सब चीज देखना पड़ता है, तब धीरे धीरे हम लोगों को, या कैसे अच्छा रिक्रूट करें लोगों को। तो वो धीरे धीरे वो चीज मेरी, जब दशा भी आई ऐसी दशा आ गई, एक तो दशा मिली और उसके ऊपर से फिर मेरा जो वो जॉब था मुझे वो मिल गया, तो मेरा क्वेश्चन ये कि सर वो दशा ने खींचा ऐसा, मतलब दशा खींचती है, दशा ही खींचती है, मतलब जॉब दशा ही खींचे, मतलब पूरा जॉब का जो टाइप जो है वही चेंज होगा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मशीन के साथ काम करने मैकेनिकल मतलब वो पूरा मशीनरी का काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां से होके ये तो ये जो है वो टेक्निकल नहीं रहा, ये तो पूरा क्लेरिकल सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई, सिंपली ऑफिशियल वर्क हो गया। हाँ तो वो तो मतलब एकदम से अलग हुआ, तो वो बिकॉज ऑफ दैट क्लेरिकल तो ना बोलो भाई साहब, क्लेरिकल नहीं है नहीं मतलब आप मशीन से अलग, मतलब मैं हाँ, हाँ, बोल रहा हूँ मतलब नॉन टेक्निकल जॉब हो गया, नॉन टेक्निकल। हाँ अच्छे वर्ड्स में नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब हुआ, तो वो दशा की वजह से, वो दशा की वजह से तो दशा ही खींचेगी। हम किसी की कुंडली जब हम एनालाइज कर रहे हैं और हम जिस तरह से अभी हम मान लो 10th भाव हम देख रहे हैं, तो
तो और जैसे फिर वो इस साल में उसका सपोज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो पहले तो हमको वो देखना पड़ेगा ना कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का कितना प्रॉमिस दिख रहा है। हाँ वो तो खैर है ही है, वो तो नहीं, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, जैसे हम कर्म भाव के रिलेटेड हम देख रहे हैं अभी, बराबर है। अब कर्म भाव मतलब हम क्यों ये देखेंगे कि उसको कौन से फील्ड में जाना है, उसके लिए कौन सा फील्ड बेनिफिशियल रहेगा, बिल्कुल फॉर दैट पर्पस हमको ये देखना है कर्म भाव। अब जब हम कर्म भाव देख रहे हैं तो फिर उससे जॉब कर्म से रिलेटेड ही कब जॉब होगी वो हम देख रहे हैं जी, तो आज उसको 2024 में जॉब वो करेगा या 2027 में या 28 व्हाटएवर जो भी फिगर आती है, जो डेट आती है वो पीरियड में करेगा, वो कब हम देख पाएंगे कि हाँ उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है या नहीं है। यदि सिर्फ ग्रेजुएशन है तो हमको वो पीरियड देखना पड़ेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हमको 2 साल बाद वाला पीरियड देखना, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमको। नहीं इसमें देखिए इस तरीके से आप केवल पांचवा भाव को आप स्टडी कर सकते हैं। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अंकित वैसे कपड़े बेटा मेरे ख्याल से एक सेकंड होल्ड करना जरा, मैं देख के देखता हूं, मैं बोलता हूं मैडम, तुरंत देखो ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास पांचवा भाव देखने की शक्ति है। आप पांचवा भाव देखिए कि उसकी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। एक चीज तो ये है आपके पास देखने का, ये तरीका एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता अभी कि वो एमटेक भी करेगा या नहीं करेगा। एग्जैक्टली इस तरह की चीजें निकालनी मुश्किल होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन उसके उसमें है या नहीं है। पीएचडी के लिए आप नवा भाग देखिए, पांचवें भाव से आपकी एमटेक तक की चीजें सारी आती है। डॉक्टरेट जो आती है वो आपकी नवे भाव से आती है, इससे ऊपर जो क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई आदमी चाहता है करना पीजी तो आप उसका पांचवा भाव देखेंगे, भाई पीजी करना चाहता हूं मैं, पांचवा भाव प्रॉब्लम तो नहीं है, पांचवें भाव के अंदर पांचवें भाव के स्वामी पीड़ित तो नहीं है, पांचवें भाव का कारक तो पीड़ित नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसको। ये एक तरीका है देखने का। तो सर इसमें अब हम इसमें देखने जाए सपोज बराबर है, तो ये 10th पांचवा भाव का जो स्वामी हुआ वो सैटर्न हुआ, हाँ वो केंद्र में जाके बैठा हुआ है, केंद्र में जाके बैठा हुआ है बराबर है, तो वो तो प्रॉमिस अच्छा हुआ, प्रॉमिस अच्छा, कारक भी केंद्र में है तो ये भी अच्छा है। हाँ फिर गुरु उसको देख रहा है, गुरु उसको देख रहा है बराबर है, पांच को जो उसका बन के वहां से देख रहा है, गुरु पांचवें भाव कारक है, लाभ भाव में बैठा हुआ है और गुरु राशि में बैठा हुआ है, हाँ और गुरु का षडबल में भी वो एक से ऊपर है, एक से ऊपर है तो इस हिसाब से प्रॉमिस कर रहा है वो हायर एजुकेशन में तो उसी है, इसका मतलब प्रॉमिस कर रहा है तो मतलब वो जो वो चाहता है, मतलब वो मेरा यही है कि मान लो ये कर रहा है तो यहाँ से फिर हम देखें कि हाँ उसको अभी इसका मान लो ग्रेजुएशन इस साल पे ऑलमोस्ट खत्म होगा, फिर 2 साल बाद उसका हम पोस्ट ग्रेजुएशन देखें, 1-2 साल का प्ले ले ले, तो राउंड अबाउट उस पीरियड का दशा हमको देखना पड़ेगा, वैसा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं मैं समझ गया बात आपकी, वो डिपेंड करता है कि मतलब वो बच्चा जो है वो क्या चाहता है। कई क्या बच्चे होते हैं, कई बार ये होते हैं कि वो बीटेक करने के बाद कहते हैं कि हम पहले 2 साल जॉब करेंगे उसके बाद हम नौकरी पीजी करेंगे। ओके ओके कुछ बच्चे ओके, होते हैं वो कहते हैं कि हम तो पीजी के बाद ही जॉब। हाँ जैसे आकांक्षा जी ने ड्रॉप लिया बाद में वो किया वो वाला, तो उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा तो वो आपको इसमें है, ये आपका हो गया। अच्छा अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर के बारे में बात, तो कोई बात हो रही थी कि ट्रांसफर के बारे में या जॉब चेंज के बारे में। सर ट्रांसफर और जॉब चेंज में अंतर होगा ना? नहीं जॉब चेंज और ट्रांसफर में इतना अंतर नहीं है। जॉब चेंज मतलब एक ट्रांसफर तो आपका ये होता है कि यू हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो थोड़ा सा हो गया कि आपको भेज दिया। एक ट्रांसफर आपका होता है कि आपका जैसे मेरा था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना था, मैं करते करते मुझे एचआरए काम पे लगा दिया गया, तो ये भी एक चेंज होता है, जॉब चेंज होता है। बेसिकली ट्रांसफर हो या कोई भी चेंज हो आपके काम के अंदर वो आपका देखा जाता है दशम के 6ठे भाव से और 11वें भाव से। दशम का 6ठा भाव और दशम का 11वां भाव, आपको 2 भाव याद रखने हैं, इनसे देखा जाता है, यानी कि 3रे भाव से और 8वें भाव से।
और तीसरे भाव में मेरा लग्न का तीसरा और आठवां, लग्न का तीसरा और आठवां, दशम का छठा और ग्यारहवां। तो दशम का छठा और ग्यारहवां भाव से आप देख सकते हैं, अगर कोई आपसे आदमी पूछता है कि भाई मेरा जॉब चेंज कब करूंगा मैं, या मेरा ट्रांसफर कब होने की उम्मीद है। अब देखिए, एक तो ट्रांसफर होते हैं जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ थे, जैसे मैं सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, वहां पर सिस्टम है कि 5 साल तक आप एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसको आप ग्रह से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो पॉलिसी बनी हुई है, दैट इज योर ट्रांसफर पॉलिसी, कि आपको 4 साल में या एवरी 3 ईयर्स में आपको 5 साल में रिकोलोकेट करना है। लेकिन अगर आपको 5 साल के अंदर ही आपका ट्रांसफर हो गया बाय चांस पॉलिसी से पहले, तो वो ग्रह जरूर बताएगा, वो ग्रह जरूर बताएगा। तो ग्रह उसमें भी तो बताना चाहिए ना सर, क्योंकि योग जब बने हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि 5 साल में उसमें ग्रह इसलिए बताने का थोड़ा मुश्किल मैं मानता हूँ उसको, थोड़ा वो करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो 5 साल की जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल सभी के लिए है। अगर 1000 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो 1000 इंजीनियर्स के लिए 5 साल, वो 1000 इंजीनियर वही वहां ज्वाइन कर पाएंगे जिसके अंदर वो उसकी अंतर या प्रत्यंतर दशा में उस तरह के प्लैनेट्स का प्लेसमेंट होगा। ट्राई करके देखिए, वैसे मैंने ट्राई किया है इसको करीब 20-25 पत्रिकाओं पे, मुझे इसका जवाब 40% के आसपास ही मिला। तब तो फिर तो सर ये कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, तो फिर तो कैसे आप नहीं, जहां पॉलिसी बनी हो वहां का नहीं है। होता क्या है कि पॉलिसी के अलावा आप ट्रांसफर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए क्या होता है, मेरे पास पत्री आती है, मुझे वो पूछते हैं कि जी ऐसा है कि मेरी वाइफ केंद्रीय विद्यालय में वहां पर है, मैं उसका ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसका ट्रांसफर कब तक हो जाएगा? तो बताएंगे आप कि आप प्रेशराइज कीजिए, आप जोर लगाइए, आपका इस वाले मंथ में ट्रांसफर होने की उम्मीद है, इस वाले मंथ में। तो सर फिर ऐसा है कि प्लेनेट के हिसाब से हमारा लाइफ पूरा चलता है। बिल्कुल, वो जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले वही मानते हैं, तभी हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी लाइफ जो जन्म से लेके मरण तक का जो भी है, और उसके बाद का मतलब नेक्स्ट बर्थ या प्रीवियस बर्थ, वो सब एवरीथिंग जो भी है वो प्लेनेट के हिसाब से ही चलता है। अब ट्रांसफर का क्लॉज जैसे आप बोल रहे 5 साल में, तो फिर वहां प्लेनेट का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा, तो फिर कहां से प्लेनेट के हिसाब से चला? नहीं नहीं नहीं, 5 साल वाला छोड़ दीजिए आप ना, मैं 5 साल वाले की बात, जहां प्रमोशन, जहां ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है वहां का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां तो वो पॉलिसी हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे किसी की दशा में भी आया हो, या कौन सी भी लगन का मालिक हो, या किसी भी राशि का मालिक हो, या दशम भाव में से कोई से भी ग्रह बैठे। मेरा ये मानना है कि वो भी तभी वही पीरियड आएगा, या उसकी प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा या कुछ भी तरह से कुछ सिग्नल होगा ही होगा। आप देख रहे हैं सूक्ष्म कुछ सिग्नल होगा, जो मैंने अंतर्दशा का सिग्नल निकाला है, मैंने खाली आप सूक्ष्म में देखिए तो एटलीस्ट वो क्लिक कर देगा। हाँ, अंतर्दशा का सिग्नल मैंने देखा है, तो मुझे करीब वो 40-50% पत्रिकाओं मिला है। 40-50 में आपने अंतर तक देखा, नेक्स्ट 10-20 में भी आप प्रत्यंतर में आ जाएंगे, तो वो और नेक्स्ट 20 आप सूक्ष्म में जाओगे, तो ऑलमोस्ट 80% तक रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेरा ये मानना है। यदि ये नहीं मिला तो फिर एस्ट्रोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। आप देख सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि कोई आपसे पूछे कि जी मेरा ट्रांसफर कब तक हो जाएगा या क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको उसका तीसरा भाव और छठा भाव देखना है। जब तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह, या तीसरे या छठे भाव में बैठे ग्रह, या उनको देखने वाले ग्रह, या उनके स्वामी की दशा हो, तीसरे और आठवें ना, तीसरे और आठवें, तीसरे और आठवें, थर्ड और एट, फिर वो तो लगन से देखना है ना, थर्ड और एट, लगन से थर्ड और एट, दशम से छठा और ग्यारहवा, हाँ सर, दशम से जो ग्यारहवें में हुआ वो बेनिफिशियर ट्रांसफर, वो बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि दशम से ग्यारहवें में जो ट्रांसफर होगा वो आपको प्रमोशन के साथ मिल सकता है। ट्रांसफर नहीं हुआ, जॉब चेंज हुई है ना, हाँ ओके ओके, हाँ वो होगा सर सेव उनका, शायद आपने लास्ट टाइम किया था, नहीं मैं ध्यान नहीं होगा, वो सेव, चलिए वैसे डेट बोल दीजिए फटाफट है सर, सुमित, हाँ सुमित, अच्छा सुमित की तो मेरे ख्याल से सेव होगी सर,
लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना सर लास्ट, इसलिए मैंने बोला शायद सेव होगी। आप लिख लीजिए ना, नहीं होगी तो सेव हो जाएगी। हाँ सेव हो जाएगी, मैं आप कर लेता हूँ ना, आगे के लिए काम हो जाएगा। हाँ सर, ये आपकी 12th February 1977। वैसे भी सर सब क्लास में हमारे जो भी है उनके सबकी रखने की आपको, ताकि क्या हम जो डिस्कस करेंगे तो रात के 12:53 0053 यूपी गोरखपुर। जी सर यही है, देखिए इसके अंदर कार्ड में सर सूर्य मंगल बुध है इनका, इसमें हो सकता है सूर्य मंगल बुध में हो सकता है, शनि में हो सकता है। उनका कब हुआ वो देखिए, पहले कब हुआ वो देखिए तो हम पकड़ेंगे ना। उसकी नई जॉब लगी है मार्च में, मार्च से जॉब स्टार्ट हो गई है तो मार्च का दशा। एक आगे खींचिए ना सर उसको, मार्च 22 का ना जी सर। हाँ प्रत्यंत तक मार्च 22 मतलब ये ऊपर गया सर, ऊपर गया ऊपर। हाँ जी सर, ये शुक्र राहु और बुध। हाँ ठीक है, आप देखिए ना बुध मार्च थोड़ी मार्च में तो, नहीं ना हाँ तो शुक्र राहु शनि, शुक्र राहु शनि में ना, शुक्र राहु शनि में हुआ ना सर, क्योंकि मार्च मतलब तो इससे पहले हुआ ना वो शुक्र राहु बुध से पहले वाला हुआ ना। हाँ शुक्र राहु बुध से पहले वाला हुआ। हाँ हुआ शुक्र राहु शनि आपका 23/4 तक है। हाँ तो 23 तो एक मिनट तो शनि देख रहा है ना तीसरे भाव को, ये इस भाव को तीसरे भाव को जी तीसरे में नहीं तो वैसे भी तो सर। अच्छा हाँ अष्टम मैंने बताया ना कि जो तीसरे भाव में बैठा ग्रह तीसरे भाव को देखने वाले ग्रह आठवें भाव में बैठा ग्रह आठवें भाव को देखने वाले ग्रह या उनके स्वामी की दशा तो बुध की भी तो दशा हो गई ना, बुध की दशा है उसमें चेंज हो सकता है तो शनि की दशा में इनका चेंज हुआ। हाँ राइट राइट ठीक है ना। और सर शनि की दशा में जॉब नहीं भी थी ऐसा भी था। अच्छा अब जो ये शनि की दशा में इनका चेंज हुआ है ये तीसरे भाव को देख रहा है इनके ठीक है, तो ये दशम से छठे भाव का मतलब बेसिकली कि एक्टिव हुआ है तब ये दशा में जॉब मिला है इनको, तो इस जॉब में थोड़ा हल्का संघर्ष रहेगा। चल ही रहा है सर, भयंकर संघर्ष है क्योंकि ये दशम से छठे भाव की इसमें नौकरी मिली है। हाँ वो सर इस और चीज देखें कि अगर आपका चेंज यहां मिलता मतलब दशम से आठवां भाव जैसे ये आपका आ जाए या इस भाव को देखने वाला ग्रह कोई देखने वाला ग्रह हो या इस भाव का स्वामी तो वो बुध वाला वो बुध हो जाएगा जी, तो एक महीने बाद मिली होती तो अच्छा होता है सर। एक महीने बाद मिली होती तो ये थोड़ा मतलब और अच्छा जॉब मिलता इनको जी सर। किसी ने तो बताया था इनको कि अगर आपकी इस टाइम पे मतलब एक महीने बाद मिलती अप्रैल के बाद मिलती जॉब तो वो ज्यादा अच्छी होती रेदर देन अप्रैल से पहले वाली। हाँ सर ये लंबी जाएगी या फिर कुछ चेंज होगा? नहीं नहीं जॉब तो लंबी जाएगी लेकिन मतलब जॉब में थोड़ा सा मतलब वो जिसे कहना चाहिए ना वो स्मूथनेस नहीं होती। स्मूथनेस नहीं है सर वो तो नहीं। हाँ थोड़ा एफर्ट्स रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि थर्ड भाव छठा भाव थोड़ा संघर्ष दिखाता है ना, तो दशम से छठे के भाव में उसमें मिली है दशा आपको जब छठा एक्टिव हुआ है जी। तो ये इसलिए आपको हुआ है, तो ये चेंज का आप लोगों ने देख लिया कैसे सिलेक्ट करना है, ये आप लोगों ने देख लिया। ये कैसे देखेंगे सर कि ज्यादा पे आउट कैसे मिलेगा कौन से जॉब कौन से अगर 11th की दशा आ गई तो मतलब ये था जो अष्टम वाला है मैं होती अष्टम में बैठा ग्रह हो अष्टम को देखने वाला ग्रह हो या अष्टम के स्वामी की दशा हो तो ज्यादा अच्छा जॉब मिलेगा आपको, लाभ के साथ मिलेगा, हो सकता है आपको इंक्रीमेंट के साथ मिले, सैलरी इंक्रीज साथ मिले, प्रमोशन के साथ मिले। प्रमोशन के साथ तो प्रमोशन के लिए सर कह सकते हैं कि हम 8th को भी देख सकते हैं। 8th को भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं 8th को देखते हैं। 8th अचानक लाभ भाव हानि का होता है ना, अचानक हानि लाभ भाव का।
और प्रमोशन के लिए तो सर हम नाइन्थ को भी देखेंगे ना, टेंथ से। हाँ वो बताऊंगा, प्रमोशन का आगे आएगा, मैं बताऊंगा प्रमोशन की क्या क्या देखना है। गुरु देखते हैं, राहु देखते हैं, अष्टम भाव देखते हैं, वो प्रमोशन के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या चीज। क्वेश्चन है कि जैसे कि टेंथ हाउस में सर मान लीजिए दो से तीन प्लेनेट बैठे हैं, तो सडबल में देख लिया कि भाई जो सबसे ज्यादा मजबूत वो मेन प्रभाव वही उनका रहता है, अगर दशा फेवर कर गया तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना जो है प्रोफेशन रहेगा। लेकिन सर वो इन्फ्लुएंस करता है ना प्लेनेट, मान लीजिए कि सूर्य के साथ मान लीजिए कि शुक्र बैठा है या सैटर्न बैठा है, तो इन्फ्लुएंस करेगा क्या उस प्रोफेशन में, अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्या, एट्रीब्यूट डालेगा क्या? आजीविका निर्णय के लिए आपको सिर्फ जो नियम है उसको लेके चलना है, उसके साथ बैठे ग्रह को लेके नहीं चलना। ना उसके अंदर ये देखना है कि वो ग्रह आठवें भाव में बैठा है, दसवें भाव में बैठा है, बारहवें भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है। अगर आजीविका निर्णय में ये निकल गया कि आपका बुध के हिसाब से जॉब आता है, तो बुध चाहे आपका बारहवें भाव में बैठा हो चाहे आठवें भाव में बैठा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बुध के अनुसार जॉब आप करोगे तो आपका जॉब अच्छा होगा। सर वो नेचर ऑफ जॉब में जो प्लेनेट बैठे हैं साथ में उनका एट्रीब्यूट्स भी अगर हम इंक्लूड करके करेंगे तो फायदा रहेगा या नहीं? देखिए अगर करके करेंगे तो जितना तारतम्य आप बनाओगे उतना अच्छा है, लेकिन तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, बस और कुछ नहीं। ओके, नहीं मैं एक्चुअली इसलिए समझना चाह रहा था सर कि जैसे कि टेंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट भाई टेंथ हाउस को कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना? नहीं इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, टेंथ भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वो इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन टेंथ भाव में ऐसा होता है ना, देखिए एक घर में अगर तीन आदमी बैठे हों तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, जो बलशाली होगा थोड़ा बहुत, चलो ठीक है तो बलशाली को इसलिए ले लेते हैं उसके अंदर कि भाई जो बलशाली है उसको ले लो। अगर एक ही बैठा होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब तीन बैठे हैं तो बलशाली ले लिया, ये बलशाली को पकड़ लो भाई, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इसी की बात सब लोग मानेंगे, यही डॉन बन जाएगा घर का, बाकी सब लोग काम करने वाले बनेंगे, तो इसलिए उसको बलशाली का लेते हैं। आप चाहो तो उनका मान सकते हो उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हुए हैं तो उनका भी आप थोड़ा बहुत इफेक्ट ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कुछ नहीं करने। जी जी, तो ये आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, काफी टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग कर्म फल को रखेंगे, अभी ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है तो इसमें आगे सारी चीज पढ़ेंगे। इसका ये भेज देना सर। हाँ भेजेंगे इसका सर, ये इसका आप सेट क्या है? इसका आप भेजेंगे तो हम पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, ये क्या है विषय साहब, इसका मैं इसलिए नहीं भेजना चाह रहा आपको क्योंकि इसमें जो है ना ये थोड़ा ठीक नहीं बना हुआ। अच्छा, आगे पीछे बना हुआ है तो मैं इसको ठीक करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास जो कर्म फल खत्म होगी उसके बाद मैं आपको ये भेज दूंगा सर। हाँ चलेगा चलेगा। एक गर्म पत्ता मैं भी बता रहा हूँ, वो सेव तो कर लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे। और सर इसका आप ये जो सेटिंग आप बताने वाले, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी ना कैसे करते हैं, एक सेव कर लीजिए। चलिए पहले इनकी पत्नी का सेव कर लेता हूँ। हाँ, साहब की चलिए। हाँ, बोलिए ना। शांता, शांता लेडीज, डेट है 26/11/1949 राजस्थान ब्यावर, राजस्थान ब्यावर। BEAWER ठीक है, ये सेव कर लिया मैंने। हाँ ठीक है, सेव कर लो, ठीक है, कुंडली सही है। हाँ तो फाइल सेव कर लेता हूँ, फिर आपको बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है ठीक, सेव कर लो। चलिए अब तो के लिए आज यहीं तक रखते हैं, काफी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ तो, बोल रहे हैं सर कि सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जो होता है, हाँ इसकी क्या यूटिलाइजेशन है सर, इसको कैसे यूज में लेना है? प्राण दशा को आपको यूज में लेना है, सूक्ष्म दशा को अक्सर आपको यूज में जब लेना है जब आपका काम कोई ऐसा हो जो आपको एक या दो दिन के अंदर करना हो, क्योंकि सूक्ष्म दशा नॉर्मली एक या दरअसल क्या होता है कि जितना अंदर जाएंगे हम उतना अच्छा तो होगा, पर प्रॉब्लम यह होती है कि जन्म समय हर किसी का एग्जैक्टली राइट नहीं होता कि भाई जैसे कई बार क्या है कि बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने आके 3 मिनट बाद बताया कि जी बच्चा हो गया है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो आपने 3 मिनट के बाद का समय नोट कर लिया। जिस समय मतलब बच्चा माँ के शरीर से अलग होता है उस समय का समय लिया जाता है, तो उस समय का समय अगर लिया गया है, एग्जैक्टली समय उसका आता है, तो आप सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे भी जा सकते हो,
जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था दशा गोचर के अंदर कि आपको देखना है कि भाई कल मेरा एक काम है, मेरा वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो जहां सूक्ष्म दशा है या जो प्राण दशा है उसको आप गोचर बना लीजिए, और गोचर बना के चंद्रमा का गोचर देखिए, उसको लगन बना के चंद्रमा का गोचर देखिए, और फिर देखिए कि चंद्रमा गोचर उससे सही बैठता है नहीं बैठता, तो आपका काम बनेगा नहीं तो काम आपका नहीं बनेगा। तो वो सब चीजें आपकी सूक्ष्म दशा या प्राण दशा से देखी जाती हैं, जहां पे काम आपका एक या दो दिन का देखा जाता है, तो वो आपको देख लेनी चाहिए। लेकिन वो नॉर्मली इसलिए हम लोग नहीं देखते क्योंकि नॉर्मली वो बहुत टाइम के अंदर 3-4 मिनट का भी, 2 या 3 मिनट का भी चेंज हो गया बर्थ टाइम के अंदर, तो प्राण दशा वगैरह चेंज हो जाती है। तो सर वो डिविजनल चार्ट्स में भी वही रहता है ना, जैसे आगे का देखेंगे तो फिर तो उसमें दिक्कत ही आएगी ना, क्योंकि चेंज ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये चक्करबाजी रहती है, इसलिए थोड़ा सा इसको उससे बचते हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ क्वेश्चन ये है कि अगर कुंडली में दो ग्रह जो है योग कारक है और एक दूसरे से जो है वो 6-8 के एक्सिस में है, ठीक है, तो क्या वो जो है अपनी दशा में जब उनका दशा आएगा, एक दूसरे का जब दशा आएगा, यानी कि मान लीजिए कि मंगल और शुक्र, ठीक है ना, और जब मंगल में शुक्र का आएगा और दोनों योग कारक है कुंडली में, तो क्या दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट करेंगे या फिर उसमें से एक नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव क्या नहीं बताया ना, नेगेटिव नहीं बदलेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव करेंगे लेकिन कष्ट भी देंगे साथ। अच्छा कष्ट देंगे, क्या कष्ट दे सकते हैं सर? प्रॉब्लम देंगे साथ में, मतलब आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए 100 रुपए का वो आपको ना मिलके आपको 80 रुपए का रिजल्ट आपको रह जाएगा। देखिए ये क्या है, 6-8 की दशा बेसिकली एक पाइपलाइन की तरह होती है। पाइपलाइन में पानी आ रहा है, टंकी से आपने पानी खोला और पानी आपके घर में आ गया पूरा स्मूथ। 6-8 की दशा क्या है कि वो पाइप के अंदर जैमिंग का काम करती है, बीच बीच में, मतलब वो थोड़ा कहते हैं ना कि वाशर बंद कर दिया जी, बीच में कहीं पानी अटक गया, फिर धीरे आया, फिर पानी अटक गया, धीरे आया, तो वो हिसाब किताब होता है 6-8 की दशा। 6-8 की दशा अगर योगकारी ग्रह की दशा है तो योगकारी फल तो मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे मिलने चाहिए आपको उस हिसाब से ना होकर वो स्मूथ ना मिलके आपको वो थोड़ा उसका थोड़ा कष्ट आपको मिलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे रुक के मिलेंगे आप, वो चीज होगी। अच्छा सर, कमी आ जाएगी। हाँ कमी आ जाएगी, क्योंकि 6-8 की दशा पाइपलाइन की दशा समझ सके। और सर 6-8 बन रहा हो आपका, 6-8-12 हाउस से ही 6-8 बन रहा हो तो ज्यादा खतरनाक होता है। अगर त्रिकोण और केंद्र में 6-8 बन रहा हो तो इतना खतरनाक नहीं होता, वो भी देखना पड़ेगा आपको कि 6-8 कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था कि आपने बताया था कि शुभ भाव में जो ये शुभ ग्रह जाते हैं तो उनके स्वतंत्र कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है ना, और अशुभ भाव में जब जाते हैं तो उनके स्वतंत्र कारक तत्वों में जो है कमी आ जाती है, हानि हो जाती है उनके स्वतंत्र कारक तत्व। अगर अशुभ भाव में, अशुभ भाव 3, 6, 11 होते हैं, 11 को तो हम लोग निकाल दें इसमें से, क्योंकि 11 में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके स्वतंत्र कारक तत्वों की वृद्धि हो जाएगी, है ना सर? तो यहाँ पे 3 और 6 में अगर कोई ग्रह जाता है और अपनी ही राशि का जाता है तो बहुत बढ़िया है, तो क्या वो उस कंडीशन में जो है अपने स्वतंत्र कारक तत्वों की हानि करेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं हानि होगी, उसकी वृद्धि होगी। स्वराशीय ग्रह तो बहुत ही बढ़िया होता है, वो चाहे किसी भाव में जाए स्वराशीय ग्रह बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और सर एक और प्रश्न है कि आपने जो बताया था तारा चक्र वाला और शूल अधिपति सूक्ष्म अधिपति वाला जो एक नियम, वो महादशा और अंतरदशा पे लागू करने के लिए बताया था, क्या हम लोग अंतरदशा को मान ले एज ए ट्रीट करें उसको महादशा की तरह, और प्रत्यंतर को लगा लो एज ए ट्रीट करें अंतरदशा की तरह, बिल्कुल लगा लो, तब उस पे वो रूल इंप्लीमेंट करें तो क्या वही रिजल्ट मिलेगा? हाँ कर लो, वही अंतरदशा को प्रेडिक्ट। लेकिन सर लेकिन वो भी तो आपके जो पाप ग्रह या वैसे उसके पाप ग्रह, महादशा जो होना चाहिए वो पाप ग्रह का होना चाहिए, पाप ग्रह का होना चाहिए तभी होगा। तो उसी तरह से प्रत्यंतर और अब वो जो उसमें देख रहे हैं अंतर और प्रत्यंतर में, तो अंतरदशा पाप ग्रह की होनी, पाप ग्रह की हो और प्रत्यंतर उसी हो तो 3rd, 5th, 7th का नक्षत्र का स्वामी हो तो फिर आप ले सकते हो उसमें कोई सी। उसी तरह से हम लोग सर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे भी जा सकते हैं, सब पे ले सकते हो आप, कुछ नहीं है वो दशा अंतरदशा का, वो आपको दिखा दिया वो आप कहीं भी लगा सकते। इसी तरह से सर, और इसी तरह से जो है मान लीजिए कि सूक्ष्म दशा जो है, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का जो एक्सिस बन रहा है वो 6-8 का बने या फिर 2-12 का बने या फिर 6-12 का बने, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है ये सूक्ष्म दशा का और प्राण दशा का उसमें कुछ हानि होने की संभावना है। बिल्कुल, दबा दो, बिल्कुल
बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सर, चलिए ठीक है, चलिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।